मानुषी संवाद में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द 15th अक्टूबर 2022 एडिशन ऑफ मानुषी संवाद। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ शिवम रघुवंशी जुड़ रहे हैं और अपनी उस स्टडी और जो किताब उन्होंने पब्लिश की है शुभम तिवारी के साथ, उसका भी नाम यही है, बैलेट बुलेट एंड ब्लड, डेमोक्रेसी अंडर सीज इन बंगाल। ये मैंने जोड़ दिया, बुक के टाइटल में तो नहीं है। और ये स्टडी इन्होंने की, काफ़ी अरसा ये बंगाल में रहे, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी, और जो 2021 के असेंबली के इलेक्शंस हुए बंगाल में, जिसको एक मायने में ऐतिहासिक ही कहा जाएगा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जिस किस्म का तांडव और नंगा नाच ममता बनर्जी की पार्टी ने मचाया और जिस किस्म के हिंसक हमले हुए, बहुत महिलाओं को घरों से खींच के उनके साथ गैंग रेप्स हुए, और ये सिलसिला लंबा चलता रहा, बहुत घर जले, मकान दुकान, और क्या ऐसे लोगों किस बात की सज़ा दी जा रही थी, किस बात की वजह से बहुत सी हत्याएं हुई, और हजारों लाखों लोगों को बंगाल छोड़ के असम में शरण लेनी पड़ी रेफ्यूजी कैंप्स में। बहुत ही शर्मनाक चैप्टर है हमारे इतिहास का। और अक्सर क्या होता है कि जब कोई चुनाव हारता है तब तो सुना है कि फ्रस्ट्रेशन में लोगों ने फसाद कर दिया, और ये अलेज करते हुए कि चुनाव रिगिंग हुई इसलिए हमें हरा दिया गया। परंतु चुनाव जीतने के बाद इस तरह की बर्बर हिंसा, जो कि शर्मसार कर दे जिसको भी हम अपनी डेमोक्रेसी कहते हैं, हम प्रजातंत्र कहते हैं, ऐसा प्रजातंत्र, इसको तो भीड़ तंत्र भी नहीं कह सकते, इसको तो जिहाद तंत्र कहेंगे, इसको तो क्या बोले, शब्द भी छूट जाते हैं, प्रजातंत्र तो इसको कह ही नहीं सकते, जहां बात बात पे हत्याएं हो रही हो, चुनाव से पहले हत्याएं होती हैं, चुनाव के बाद हत्या होती हैं, चुनाव के दौरान हिंसा होती है, तो ऐसे चुनावों से लेना देना क्या होना चाहिए, हमारा इन चुनावों के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डेमोक्रेसी इफ दिस इज व्हाट इट हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू। तो इन्हीं सवालों के साथ मैं शिवम रघुवंशी को वेलकम करती हूँ। शिवम जी नमस्ते। और नमस्कार मैम, ये बहुत अच्छा किया आपने डॉक्यूमेंट किया, क्योंकि ये लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि लेफ्ट विंगर्स और इस्लामिस्ट तो छींक मारते हैं तो उसको भी डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, किसी को खरोंच इमेजिनरी भी आई हो ना भी आई हो, जो उनके फेक नैरेटिव के केसेस होते हैं, उनको भी इतनी भली भांति वो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि अरे ये कहाँ से बोलने लग गए, ये मेरा फोन साइलेंट मोड में होना चाहिए, अरे ये कहाँ से बोलने लग गए, ये मैं बंद करूँ इसको, साइलेंट मोड में हुआ क्या ये इसको, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू स्विच ऑफ माय फोन, ओके सॉरी आई डोंट नो, ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने लग गया, फिर मुझे ही मेरी आवाज़ सुनाने लग गया, मेरा फ़ोन बहुत नटखट होते हैं ये सारे गैजेट्स, कब इनका मूड बदल जाए पता नहीं चलता। खैर, तो मैं कह रही थी कि ये बहुत लोगों की शिकायत रहती है और इस बात पे लोग अफसोस भी बहुत जताते हैं कि लेफ्ट विंगर्स और इस्लामिस्ट तो अपनी झूठी घटनाओं को भी, फेक नैरेटिव्स को भी इतने अच्छी तरह डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि वो दशकों तक वो फैक्ट्स के रूप में टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ाई जाती हैं, उनकी झूठी बातें सब कुछ वो मैनेज करते हैं, नैरेटिव को अपने झूठों को इतने बढ़िया से डॉक्यूमेंट करके। और इधर जो नॉन लेफ्टिस्ट हैं और विशेषकर जिनको राष्ट्रवादी कहा जाता है, वो इंटेलेक्चुअली इतने लेजी रहते हैं, हमेशा नहीं थे,
आजादी की लड़ाई के वक्त नहीं थे, उसके बाद भी सीताराम गोयल जैसे और कई अन्य बहुत ही प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल्स निकले, पर अभी लग रहा है जैसे अकाल सा पड़ता जा रहा है. एंड आई एम वेरी ग्लैड यू डॉक्यूमेंटेड इट. सो विद माय पर्सनल थैंक्स टू यू. बताइए ये कैसे सोचा, ये क्यों किया जाए, आप कैसे बंगाल में पहुंचे, क्योंकि आप तो वकालत करते हैं और दिल्ली में करते हैं, तो कैसे ये जर्नी की शुरुआत हुई, बताइए. नमस्कार मैम और सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। पहले तो थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करके एक चीज़ बोलूँगा कि जब से स्पेशली मेरी 11वीं 12वीं से जब से इंटरनेट हाथ में लगा और एक्सेस मिला मुझे यूट्यूब का, तब से आपको देखना, आपकी डिबेट्स में जाना और आपके इंटरव्यूज को देखना मैं शुरू से देखा हूँ, और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहा हूँ उसमें भी हमने इवेंट्स में आपको बुलाया है, तो आपके प्लेटफॉर्म में आना मेरे लिए काफ़ी प्रिविलेज की बात। और जहाँ तक बात इस डॉक्यूमेंटेशन की आती है मैम, मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से आता हूँ, और जो कि मध्य भारत का जो उत्तर क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उत्तर क्षेत्र है, उससे आता है। तो शुरू से ही जब मैं छोटा था तब भी हम लोग डाकुओं की बात सुनते थे, यहाँ डाकू बहुत हैं, और एक तरीके से उसको ब्रांड कर दिया गया उस पूरे रीजन को कि चंबल मतलब डाकू, वहाँ के लोग मतलब लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग होते। तो जब भी मैं कहीं जाता था, जैसे इंदौर या भोपाल में भी मैं जाता था, लोग शिवपुरी का या उस रीजन का नाम सुन के लोग डरते थे। तो तब मुझे उस चीज़ का हमेशा मेरे दिमाग में एक इम्प्रिंट रहा कि कैसी हमारी इमेज बनती जा रही है। जब मैं मध्य प्रदेश से बाहर निकला, कुछ वैसी इमेज उत्तर भारत के कुछ राज्यों की बनी, जिन्हें हम बीमारू स्टेट्स भी कहते हैं, सभी स्टेट्स की ऐसी एक इमेज बनती गई, यहाँ पे जंगल राज है या इतना कुछ होता है, वाकई में होता है, क्राइम था, ऐसा नहीं है इसमें, अभी भी है। तो फिर उसके बाद मेरा जाना हुआ पंजाब, और पंजाब मेरी शिक्षा के लिए गया, तो मुझे उस समय और भी कॉलेज मिल रहे थे पर मैंने पंजाब जाना पसंद किया। मैं जब पंजाब गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे एक मुझे एक अलग अनुभव मिला, वहाँ नेचर देख के, वहाँ प्रॉस्पेरिटी भी थी कंपेरेटिवली, मैं जहाँ से हूँ वहाँ से ज़्यादा है, पर एक एक अनईजीनेस मैं 2015 से वहाँ पे देखा कि यहाँ पे बड़ी अनईजीनेस है, और एक एक थ्रेट की तरह मैं उसको देखने लगा। जैसे ही 2020 में मेरी पढ़ाई हुई और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया मैंने पंजाब में, तो मेरा पंजाब में सभी जगह जाना हुआ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में भी गया। तो जब मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको कुछ समय आपको देना है अपने जीवन का, आपको बंगाल में जाके काम करना है, मुझे बंगाल क्यों भेजा गया वो वही लोग जान पाएंगे क्या उन्होंने देखा, पर मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं हूँ मध्य भारत से, मध्य प्रदेश से, और फिर पंजाब में मैं रहा जहाँ पे एक इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा मूवमेंट वहाँ पे चला उस रीजन में, और हिस्टोरिकली वेद काल से अभी तक इतना इम्पोर्टेंट वो रीजन रहा है। तो वहाँ मुझे एक्सेस मिला, वहाँ को मैं समझा, फिर मुझे जाना जाने का मौका मिल रहा था पश्चिम बंगाल में, तो मैंने अपने आप को बहुत लकी समझा। आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भेजा वहाँ पे काम करने को? मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में जी 2 वर्ष के लिए। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह मैंने लिया कि पंजाब से बंगाल, तो ऐसे राज्य जो बिल्कुल सेंटर में रहे पिछले एक सेंचुरी में, तो मैं बंगाल गया और श्री अरबिंदो स्वामी विवेकानंद से मैं शुरू से ही इन्फ्लुएंस रहा, तो उस धरती पे गया और पहले ही दिन मैं वहाँ कालीघाट मंदिर में गया। तो जब मैं उस मंदिर से लौट रहा था, मैं बस में बैठा हुआ था, और वहाँ पे जो पुरानी बसें चलती हैं, जो अक्सर मैंने देखा उत्तर भारत में 10 साल पहले चलती थी, वो कलकत्ता में अभी भी चलती है, तो मैं उस बस में बैठा हुआ था और मैंने अपने पैर के ऊपर पैर रखा, तो मेरे पास में एक व्यक्ति बैठे हुए थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने मैंने जब कंडक्टर से बात किया हिंदी में, तो उन्होंने मेरी तरफ घूरा, फिर कुछ देर बाद मुझसे बोला आप पैर सीधे रखिए, आप एक पैर के ऊपर एक पैर मत रखिए। तो मैंने बोला सर क्या हो गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कलकत्ता है, यहाँ पे यहाँ के नियम कानून के हिसाब से आपको रहना। ये मेरा पहला दिन था, मैं मंदिर से लौट रहा था, मेरे तिलक लगा हुआ था हाथ में, मेरे कलावा बना हुआ था, और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी। पहले ही दिन, पहली सुबह मैं रात को पहुंचा वहाँ, सुबह में मंदिर गया, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग चीज़ थी। तो फिर मैं समझा कि जितना कुछ हमारे सर्कल में, संगठन के सर्कल में जो बातें सुनी थी, उसके बाहर तो कोई चर्चा ही नहीं करता है बंगाल की, तो वो चीज़ें वाकई में वहाँ पे हैं।
उस समय तक भी मुझे नहीं था, अंदाजा नहीं था कि इतने स्तर पे वो है। तो वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में वहाँ पे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में एक किताब मैंने देखी। उस किताब का नाम था बेंगोल्स नाइट विदाउट एंड, एक जर्नलिस्ट थे स्टेट्समैन के, उदयन नम्बूदरी, तो उनकी लिखी हुई किताब थी। वो बंगाल में ही रहे, उनके माता जी बंगाली ओरिजिन, बंगाली थी। कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? श्योर मैम, श्योर मैम। तो उनकी जो पुस्तक थी, वो पुस्तक को मैंने मेरे हाथ में पढ़ी और मैं उसको पढ़ता गया। उस पुस्तक में उन्होंने जो कम्युनिस्ट काल था, जो रीन शुरू हुआ, उनकी गवर्नमेंट आई, तो तब से लेके 2006 तक का उन्होंने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया हुआ है चीजों को, कि कितने लोगों को मारा गया, कैसे इंसिडेंट हुए। और वो मुझे लगता है इट इज अ मास्टरपीस, और उसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो आउट ऑफ प्रिंट है वो पुस्तक। तो वो पुस्तक जब मैंने पढ़ी, तब मुझे लगा ये तो कलकत्ता में एक विजय सेतु नाम की जगह ब्रिज है, वहां पे सबके सामने आनंद मरगी के सेंट्स थे, उनको जला दिया गया, हजारों लोगों के सामने जला दिया गया, और देश में आज उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। एक ऐसे ही श्यानबाड़ी करके एक इंसिडेंट हुआ, जिसमें माँ को उसके बेटे के खून में सने हुए चावल खिलाए गए, और उसके बारे में चर्चा नहीं, कभी लोगों को जस्टिस नहीं मिला। 2001 में जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उनके हाथ के पंजों को काट दिया गया। तो इस तरह के इंसिडेंट उसमें जब मैंने पढ़े, और एक पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो मुझे वहां पे समझ में आया। तो किताब एंड होती है 2006 में, और जो उसके लेखक थे वो चुनाव भी लड़े, मुझे वो बाद में पता चला वो तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़े। तो पूरा पुस्तक के आखिरी आखिरी में, जैसे 90 का दशक आता है, तो दिखता है कि कैसे ममता बनर्जी का संघर्ष चल रहा था कम्युनिस्ट से, और उन्होंने कितना कुछ झेला, उसमें कोई बुराई नहीं है। 2008 में भी उन्होंने इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के बारे में भी उन्होंने पार्लियामेंट में बात उठाई। तो फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है ये सारी चीजें 2011 के बाद कम हुई हो। और फिर मैंने लोगों से बात की, तो पता चला कि वहां तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कम्युनिस्ट रीन में था। जो लोग वहां पे गुंडे थे, क्योंकि कम्युनिस्ट फेस होते थे पढ़े लिखे लोगों का, अकेडमिशियंस का, जो फेस बना के रखते थे, पर जो उनके नीचे गुंडागर्दी करते थे, वो लोग यहाँ पे आके लीडरशिप में, वो लोग यहाँ पे आके मंत्री बने हुए हैं। ऐसे मंत्री जो खुद पेट्रोल बम वहां पे फेंकते हैं, खुद जाके पेट्रोल बम फेंकते हैं, जो मंत्री हैं वहां पे, एमएलए हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें मुझे पता चली। तो उसी समय पे राज्य चुनाव आने वाला था, चुनाव को करीब 1 साल बचा था, तो लोग पॉलिटिकल स्पीचेज में मैंने देखा कि लोग बोल रहे हैं 100 लोग मार दिए गए बीजेपी के, 200 लोग मार दिए गए। किसी के पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं था, पब्लिक डोमेन में तो नहीं था, लोगों के पास अपना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल डेटा होगा, पब्लिक डोमेन में नहीं था। और उस समय संयोग ऐसा था कि मेरी और शुभम की भी इसी के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो शुभम का आइडिया था कि हमें इसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। तो 2013 से लेके 20 तक के, चुनाव से पहले तक के, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको हमने हमारी पहली पुस्तक जो आई, पॉलिटिकल किलिंग्स इन ममताज बंगाल, वो हमने बहुत डायरेक्ट पुस्तक लिखी, क्योंकि समय कम था। और इलेक्शन एक ऐसा समय होता है जब आपको कोई इश्यू को उठाना हो तो तुरंत वो चीज़ करनी होती है, क्योंकि चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि जल्दी से किताब को प्रिपेयर करें, और उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के, एक डॉक्यूमेंट के सामने उस किताब को बनाया, और जितने लोगों को मारा गया उनकी फैमिली से या उनके लॉयर्स से कांटेक्ट किया, और हमने उनसे बात करके, उनके इंटरव्यूज लेके, बहुत ज्यादा लोग, 10 लोग के हम लोग इंटरव्यूज ले पाए, पर बाकी लोगों की डिटेल्स हमें मिल गई, FIRs हमें मिल गई, तो उनको हमने उस पुस्तक में मैंशन किया। ये 2020 तक का था। और फिर मुझे लगा कि 2011 13 से लेके 20 तक हुआ, पंचायत इलेक्शन था, पंचायत इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को मारा गया था। मुझे लगा कि अभी जो असेंबली इलेक्शन में है, इसमें सेंटर में जो पावर में है, वो पार्टी अभी मतलब मेन ऑपोजिशन पार्टी बनती जा रही है। मैं होपफुल था कि, और उस इलेक्शन में राजनीतिक हिंसा एक चुनाव का मुद्दा भी था, तो मैं होपफुल था कि शायद इस असेंबली इलेक्शन में वो चीजें कम हो, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी था और मैं वहां रहता था। तो हम लोग कई बार विद्यार्थी परिषद का एजुकेशन, वोट फॉर बेटर एजुकेशन का हम लोग कैंपेन लेते हैं इलेक्शन से पहले। उस इलेक्शन के कैंपेन लेने के दौरान ही लोग हमारा, मुझे फॉलो करते थे। हम लोग जब एवीपी के कार्यकर्ता वहां से निकलते थे, तो लोग हमें ऐसे उंगली दिखा के बोलते हुए जाते थे, 2 तारीख को खेला हो। तो वो जो खेला होबे था, जो उनका स्लोगन था कि खेल होगा, देखा जाएगा तुम्हें, 2 तारीख को देखेंगे, वो स्लोगन हम लोग जब भी सुनते थे, वो एक डर का माहौल पैदा हो रहा। मुझ जैसे कार्यकर्ता के मन में वो चीज थी, जो सबको सोच के आया था कि ऐसी चीजें होंगी। वहां पे रहने वाले जो आम लोग थे, जो वोट डालने वाले लोग थे, उनके मनोदशा आप समझिए। उसके बाद भी लोगों ने वोट किया, तो वो जो उनका स्लोगन था, वो एक तरीके से थ्रेट हो गया।
और लोगों से इलेक्शन के दौरान भी, अप्रैल में भी मैं वहां पे था, तो हमारे एबीपी के कई मेंबर्स थे, उनको पता चला ये एबीपी से जुड़े हुए हैं, ये आरएसएस वाले लोग हैं और ये बीजेपी करते हैं। लोगों की वहाँ टेंडेंसी यही है, वहाँ राजनीतिक दल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा, तो अनलाइक केरल, केरल में अलग है थोड़ा। तो वहां पे उन्होंने देखा कि ये एबीपी है मतलब बीजेपी है, तो कार्यकर्ताओं के जो हमारे मेंबर्स थे, एबीपी के मेंबर्स थे, उनके घर में इलेक्शन से 4 दिन पहले आते थे, थ्रेट देते थे कि कल आपका वोटर आईडी कार्ड हमें दिखेगा, वोटर आईडी कार्ड मांगते। वोटर आईडी कार्ड को क्या किया जाएगा? मैम रिगिंग होगी इसके, वहां पे जाके वोट करेंगे। क्या बोलते थे, वर्ड्स क्या इस्तेमाल किए, मैंने वो नहीं सुन पाई। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड हमें दो, हमें देके आओ, कल पार्टी ऑफिस में आओ, टीएमसी के ऑफिस में आओ और वोटर आईडी कार्ड हमें देके जाओ। और ये कलकत्ता में हो रहा था, ये कलकत्ता में हो रहा था, आप सोचिए कि रूरल एरियाज में क्या हो रहा था। उसके बाद भी लोग लड़े, लोगों ने बहुत अच्छे से कैंपेन किया, चुनाव लड़े, चुनाव का जो भी रिजल्ट रहा हो, हम लोग होपफुल थे कि 2 तारीख के बाद इतना कुछ नहीं होगा। इवन मैं, हम लोग तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे नहीं, पर मैं पर्सनली बहुत होपफुल था। और 2 तारीख के वो जिस तरीके से चीजें खराब हुई, जैसे हम लोग एवीपी का ऑफिस था मानिकतला में, मानिकतला नॉर्थ कोलकाता, जो मानिकतोला बॉम्ब ब्लास्ट से भी फेमस है, जिसमें श्री अरबिंदो को भी उस टाइम पे उनको ट्राई किया गया था। तो उस जगह पे, इतनी हिस्टोरिक जगह पे, उत्तर कलकत्ता है, उसी के पास से उस समय 1946 में ग्रेट कलकत्ता फिल्म्स भी चालू हुई थी, तो वो पूरा पॉइंट ऐसा है। वहां पे इलेक्शन का रिजल्ट जैसे जैसे क्लियर हुआ, बहुत सारे 50-100 लोग बाइक्स पे चिल्लाते हुए, केला हो गए करके कार्यालय को सर्कल करते हुए गलियों में घूमते रहे, और कुछ देर बाद एवीपी के ऑफिस बैठे। और एवीपी का कभी भी डायरेक्ट कभी भी प्रचार नहीं होता है, सिर्फ वोट फॉर बेटर एजुकेशन, वोट फॉर वुमेन सिक्योरिटी, ऐसे 5 मुद्दे हम लोगों ने लिए। और वहां पे कई सीनियर लोग भी थे, उनका मोबाइल तोड़ा, उनके साथ हथापाई करी, और उनको, एक दो लोग उत्तर भारत से थे, तो उनको बोला कि आप तुम उत्तर भारत के लोग बहिरागतो, यहाँ आके, यहाँ पे आके ममता दीदी को हटाओगे, इस तरह के शब्द उन्होंने बोले और मारपीट की। ये बहुत इनिशियल स्टेज में था, और ये कलकत्ता के बिल्कुल, वहां से पुलिस स्टेशन जो है मानिकतला पुलिस स्टेशन है, वहां से मुश्किल से 400 मीटर दूर, वहां पे ये चीजें हो रही। तो पहली पुस्तक के बाद हमें था कि इसका कभी सिक्वल ना है, कि ऐसी चीजें ना हो, पर जब 2 तारीख को ऐसी चीजें होना शुरू हुई, कार्यकर्ताओं के जो जिनसे मेरा लगाव हो गया था पिछले 1 साल में, लोगों के फोन आए कि दादा हमें बचाइए, हम क्या करें, कहाँ पे छुपे, तो जैसे तैसे करके उन्हें कहीं पे शिफ्ट किया, पर घरों में उनके लूट हुआ, लोगों के घर से चावल भी लेके गए। हमारे एक कार्यकर्ता था, वो बहुत अच्छा तबला वादक है, उसके तबले लेके गए, घर में रखे हुए बाल्टी में रखे हुए चावल लेके गए, सारा पूरा घर तहस नहस कर दिया, चोरी करके लेके गए, कोई टीवी लेके गया, कोई कुछ लेके गया, तबले लेके गए, आप सोचिए। तो इस तरह की परिस्थिति 2 तारीख से बनना शुरू हुई। तो तब मैं 2 तारीख को बंगाल में नहीं था। एक मिनट, ये जो हमले हुए, इसमें क्या कोई धर्म विशेष के लोग अगुवाई कर रहे थे कि जनरल टीएमसी के केडर थे, उसमें सभी शामिल थे, सब जात धर्म भूल के लोग टीएमसी के केडर के रूप में अटैक कर रहे थे? मैम इसमें 2 चीजें थी, कि एक तो सब धर्म के भी थे जहां वायलेंस हो रहा था, पर कुछ टारगेटेड वायलेंस भी थे कुछ जगह पे, जहाँ पे जैसे एक गांव है, 2 गांव है, दोनों का एक पंचायत बनता है, तो और दोनों का एक बूथ है, तो एक गांव में मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा है, एक में कम है, तो जिसमें मुसलमान पॉपुलेशन कम है वहां से बीजेपी अगर 10 वोट से भी आगे बढ़ गई, तो पास वाले लोगों ने, गाँव के लोगों ने ये नहीं देखा कि उस गाँव में टीएमसी का व्यक्ति कौन है, सबके घर बैठे, क्योंकि उनको लगा कि ये लोग टीएमसी के हों या कुछ भी हो, पर इन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो कहीं कहीं तो ये पूरा सिनेरियो ऐसा था कि वहां पे ये धर्म विशेष के लोग कर रहे थे, और कहीं कहीं ऐसा था कि वो सभी लोग मिले हुए थे, और स्पेशली जो रेप के मैटर्स थे, सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी मैटर्स थे, महिलाओं को कपड़े फाड़ के नग्न दौड़ाया गया है, जो रेप्स थे उनमें मैक्सिमम धर्म विशेष के लोग, मर्डर्स में मिक्स था, पर रेप्स में धर्म विशेष के लोग। जब आप कह रहे रेप्स धर्म विशेष थे, एक तो मुझे थोड़ा बताइए कि क्या रूप लिया इन गैंग रेप्स ने,
क्या दिन दहाड़े आते थे कि रात को आते थे? क्या जो किसी किस्म के अलग अलग किस्म के अकाउंट सुने, एक तो ये भी सुना गया कि पति को या पिता को खुलेआम धमकी देना कि रात को भेज देना, 8 बजे लेने आएंगे तुम्हारी बेटी को या पत्नी को या जो भी, और उनको भेजना पड़ता था। जितने लोग फिर मर्जी दुष्कर्म करें उनको झेलना पड़ता था, जितने रात मर्जी बुलाएं, जितने दिनों दिन वो मर्जी बुलाएं वो जाना पड़ता था। एम आई राइट अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल यही होता था। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें रात में हुआ, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें दिन दहाड़े भी हुआ है, घर में घुस के किया है, और जहाँ पे आसपास लोग हैं, भीड़ वाला एरिया है, उस उन जगह पे भी हुआ है। कई जगह पे ऐसा हुआ है कि 15 साल की लड़की है, उसको अगवा करके लेके गए, रात भर उसको अपने साथ रखा, उसका रेप के दूसरे दिन फेंक के चले गए ऊंचा उसको। ऊंचा हाँ जी, तो इसमें सब तरह की थे, दिन में भी हुआ, रात में भी वहां पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, भीड़ वाले इलाके में भी हो रही है। सुनसान एरिया में कोई लड़की अगर पैदल जा रही है रास्ते में, तो उसको वहां से अबडक्ट भी किया जा रहा है। तो सब तरह के वहां पे केसेस थे, और करीब 400-500 केस कम से कम रेप्स के थे, पर कंप्लेन्स बहुत कम हुई। पर मुझे लगता है कि अब एक तो FIR रेप्स वाली होती है, उनकी डिटेल्स ज्यादा बाहर नहीं आ पाती है, लोग मिल नहीं पा रहे हैं। वो करीब 40-50 ऐसी केसेस होंगे जो रिपोर्टेड है, पर रेप केसेस वर मोर देन 500 और वर अराउंड 500। कैसे 500 भी क्यों, कैसे आप फिगर दे सकते हैं? मैम एक आप ही जो रफ मतलब एरिया है, कैसे, जो आपने मैम हम सुनी लोग सुनाई वो ही है ना? बिल्कुल सुनी सुनाई, मैं कम से कम 500 के आसपास बताऊं। दैट्स आई थिंक 500 इज अ ग्रॉस अंडर एस्टिमेट, दैट्स माई असेसमेंट। अगर आप कहो कि केवल कलकत्ता में 500 हुए तब भी मैं शायद मान जाऊं, इट्स क्वाइट लाइकली कलकत्ता में भी ज्यादा हुए, और रूरल एरियाज में तो कोई कानो कान खबर भी नहीं होने देते। बट गिव मी एग्जाम्पल्स, गिव आवर व्यूअर्स एग्जाम्पल्स ऑफ द काइंड ऑफ वायलेंस दैट टुक प्लेस ऑन वुमेन। यू हैव डॉक्यूमेंटेड सम ऑफ दोस केसेस यस इन मैम, योर बुक, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट देम इन सम डिटेल? श्योर मैम। एक मैं आपको स्टार्ट करता हूँ 15 साल की लड़की के साथ जो हुआ। वो फरक्का बैरेज नाम से एक जगह है, फरक्का बैरेज काफी फेमस है, वहां से गंगा नदी, एक 2 किलोमीटर का पूरा ब्रिज बना हुआ है, उसके इस साइड दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, इस साइड उसके मालदा है। तो एक सुबह 15 साल की लड़की अपने मामा के घर से आ रही थी पैदल, तो रास्ते में एक एम्बुलेंस रुकी, एम्बुलेंस में 2 लोग बैठे हुए थे, दोनों ने उस लड़की को रोक के पूछा कहाँ जाना है, लड़की ने इग्नोर किया उनको, फिर पीछे पड़े, फिर उन्होंने लड़की से पूछा कि तुम अपनी माँ को क्या कह के बुलाती हो, ये जानबूझ के पूछा गया था जस्ट टू असर्टेन हर रिलीजन। 15 साल की लड़की थी, तो सिंदूर या बिंदी नहीं लगाई हुई हुई होती है, तो जस्ट टू असर्टेन हर रिलीजन उससे पूछा तुम अपनी माँ को क्या कह के बुलाती। और जैसे ही उसने बोला कि मैं माँ को माँ बोलती हूँ, क्योंकि बंगाल में माँ को माँ बोला जाता है, बाकी देश में इतना नहीं, तो उसको तुरंत उठाया उन्होंने उसको, और दोनों के दोनों ड्राइवर्स थे एम्बुलेंस के, हॉस्पिटल में ऑफिशियल ड्राइवर मतलब जो रहते हैं, उसको एब्डक्ट करके लेके गए उसको। उन्होंने कुछ गोलियां दी, नशे की गोलियां दी उसको, उसका रेप किया, फिर रात को उसका फिर से रेप किया दोनों लोगों ने, दूसरे दिन उसको फेंक के, दूसरे दिन उसको एक जगह पे, जो वार्ड्स जो होते हैं, जो बनते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रहने के लिए, तो वहां पे फेंक के गए। तो एक व्यक्ति ने वहां पे देखा कि ये लड़की पड़ी हुई है, उससे बात की, तो उसको वहां पे पुलिस स्टेशन लेके गए, मालदा पुलिस स्टेशन, मालदा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस स्टेशन था वहां लेके गए। तो वहां से उसके पिता को फोन लगाया, तो पिता पुलिस स्टेशन गए, तो पुलिस वाले बोलते हैं अरे ये रेप तो फरक्का में हुआ है, जो पास वाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां हुआ है, ये मालदा में तो हुआ ही नहीं। तो वहां से उसको वहां भेजा, फरक्का पुलिस स्टेशन में जाके फिर उसके पिताजी गए। मतलब इतने ट्रॉमा में व्यक्ति है, वो बच्ची है 15 साल की, उसको आप एक पुलिस स्टेशन से दूसरी पुलिस स्टेशन भेज रहे हो बिना एड्रेस के। वहां पे जो ऑफिसर उसको डील करने वाला था, ही वाज अ मुस्लिम, ही वाज अ मुस्लिम। वो मेडिकल के लिए जब माँ बच्ची को और उसके पिता को मेडिकल के लिए जा रहा है, तो वो मुस्लिम उसके साथ उनकी कार में बैठता है, एम्बुलेंस में बैठता है, और उनको थ्रेटन करता है पूरे रास्ते में कि आप केस वापस ले लो, आपको हम पैसे दे देंगे, और अगर आप केस वापस नहीं लोगे पैसे भी नहीं देंगे, और नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे, तुम लोग जिंदा हो बचोगे। और उसके जो पिता थे
लोग बोलते हैं कि ऐसे रैंडम रेप कर दिया होगा, उसके पिता उसके घर पे बीजेपी का झंडा लगा पूरे इलेक्शन के दौरान, क्या बीजेपी का बोला? झंडा लगा हुआ था, बीजेपी का झंडा लगा हुआ था उसके घर। तो तो क्या ये ऐसे बीजेपी अनसोलिसिटेड के केसेस। कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या इस फैमिली को मदद की? बिल्कुल नहीं, कि मदद ऐसा पूरी तो नहीं कि वो निहत्थे होके अकेले पड़ गए? नहीं, मदद पूरी की। अभी भी वहां पे लोग हैं, बीजेपी ने हर जगह एक एक पर्टिकुलर केस के लिए एक एक वहां के जो लोकल उनसे जुड़े हुए एडवोकेट हैं वो भी दिया हुआ है, एक जो पावरफुल जो पैसे वाला व्यक्ति है जो उनकी हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली वो भी अलॉट किया हुआ है। तो पार्टी ने वहां पे हेल्प किया, पर उस दौरान जैसा सिचुएशन हो रहा था हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भग रहा था, उस शुरू के 3-4 महीने तो हर कोई अपनी जान बचा रहा था, वो किस दूसरे व्यक्ति की कैसे हेल्प करता। तो मैम एक इंसिडेंट ये हुआ जो एम्बुलेंस रेप के नाम से लोग उसमें चर्चा करते हैं। एक और इंसिडेंट ऐसा ही हुआ, वो भी लड़की भी 16 साल की थी, और उस लड़की के जो चाचा हैं वो शक्ति केंद्र प्रमुख थे भाजपा के, बीजेपी के क्या जो है? शक्ति केंद्र होता है, शक्ति केंद्र होता है मैम, सबसे नीचे वाली यूनिट होती है बूथ, बूथ से ऊपर होता है शक्ति केंद्र, तो शक्ति केंद्र के प्रमुख थे, और जिस जो बूथ उनके अंदर आते थे वहां से बीजेपी आगे बढ़ी थी। पास वाला गांव मुस्लिमों का गांव था, तो वो लड़की भी अपने मामा के यहाँ से घर से लौट रही थी अपने दो फ्रेंड्स के साथ, इनमें से एक लड़का था एक लड़की, वो तीनों लोग साइकिल छोटे साइकिल से लेके आ रहे थे। तो दो लड़के आए बाइक से, अधेड़ उम्र के लोग इनमें से एक और एक यंग था, बाइक से आए, उन्होंने देखा ये लड़कियां जा रही हैं, कुछ देर तक उनको फॉलो किया, फिर उसके बाद उनके पास पहुंच गए तो बाकी के दो लोग भागे, एक लड़की को पकड़ लिया जो 16 साल की, और छोटे से बच्चे थे ये लोग, एजेड लोग थे, चाहते तो दूसरी लड़की को भी पकड़ सकते थे, पर इस लड़की के चाचा थे शक्ति के नेता भाजपा से जुड़े हुए थे, तो उस लड़की को पकड़ा, उसके साथ गैंगरेप। और मैं जब हम लोग गए उसके गांव में गए, उसकी माँ से हम लोग मिले, तो उसकी माँ ने, मैं उनकी माँ और उस बच्ची के साथ में बैठा हुआ था, और मैं उनसे पूछ रहा था, मेरे लिए भी एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा। तो उसकी माँ ने आखिरी में जाते वक्त ये बोला कि बाबू आप कुछ भी करो हमें न्याय दिलवाओ, आप भी नहीं दिलवाएंगे हम लड़ते रहेंगे, चाहे ये लोग 20 लाख दें या 30 लाख दें या 1 कोटी दें, हम लोग लड़ते रहेंगे क्योंकि मेरे बेटी का तो जीवन खराब हो गया। तो जितना मेरे लिए ट्रॉमेटिक अनुभव रहा उनकी स्टोरी सुनना, आखिरी में उनके शब्द सुनना, जो एक हिंदू रेजिस्टेंस की जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं कि कितना भी कुछ हुआ लड़ते रहे, वो एक होप भी मुझे वहां पे लोगों ने दी, जबकि वो एरिया है वो एरिया पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, बॉर्डर से मुश्किल से 30-40 किलोमीटर दूर है, तो भी और वहां पे उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें 60-60% करीब मुस्लिम से, तो भी लोग उसके बाद भी लोग इतने अड़िग हैं और लड़ रहे हैं। और एक और ऐसी केस था नंदीग्राम का, जिसमें अधेड़ उम्र की महिला थी जिनका वो न्यूज में भी आया, तो उनके घर में ये दो जो केस हुए ये दिन में हुए हैं, एक शाम को 4 बजे, एक सुबह एक दोपहर में हुआ, और ये तीसरा जो अधेड़ उम्र की महिला है इनके साथ जब हुआ वो रात को हुआ है, वो अपने पोते के साथ सो रही थी, तो वहां पे लोग घर में आते हैं और पोते को बांध देते हैं, उसको चिल्लाने नहीं देते हैं और इनके साथ रेप करते हैं। ये अधेड़ उम्र की महिला थी, करीब 55-60 की उनकी एज रही होगी, एग्जैक्ट एज नहीं पता, ये नंदीग्राम का विषय है जहाँ से शुभेंदु अधिकारी जी थे, ममता बनर्जी, हाँ ये उस जगह का है। फिर उसके बाद भी हमारा सिस्टम इस तरह का है कि उस लड़की को, जो बच्चा था जिसने ये सब कुछ देखा था, उस बच्चे को चाइल्ड केयर होम में रखा गया, उसके माँ बाप भी उस बच्चे से नहीं मिल पा, ये उनकी बेटी के बच्चे थे, बेटी के बच्चे थे, तो वो माँ बाप भी उसके बच्चे से बहुत लंबे समय तक मिल नहीं पाए, और चाइल्ड केयर होम में क्या हो रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें अगर केंद्र का भी कोई सेंटर है तो लोग तो वहीं लोकल ही होते हैं, और वो पार्टी से ज्यादातर अलाइन रहते हैं, अगर जो रूलिंग पार्टी है अगर उससे अलाइन भी ना हो तो उनको रहना वहां है, वो अपनी जान बचाएंगे अपने परिवार की जान बचाएंगे। तो ये ऐसे कुछ 3 केसेस थे जिनने मतलब मुझे मेरी सोच को पे बहुत असर डाला, कभी कभी वो 15-16 साल की, क्योंकि मेरी बहन है मेरी भतीजी है वो लोग भी उसी एज में है, तो जब उनको मैं मिल रहा हूँ तो जिस मजबूरी से वो चीजें बताते हैं तो वो चीजें वो चेहरे दिमाग में रहे, इवन इवन अभी भी कभी कभी वो सारी चीजें आती हैं जब मैं वापस किताब में देखता हूँ, जैसे अभी आपको मैं सेशंस में बता रहा हूँ वो चेहरे मेरे दिमाग के आगे घूमे, तो उस परिवार के बारे में हम सोचे कि उनके साथ क्या हो रहा होगा, मैं तो बस गया उनसे मिला, बाहर का आदमी हूँ अभी सेफ नहीं आऊंगा,
वहां मुझ पे भी अटैक हुए, पर यहाँ हूं मैं सेफ हूँ, यहाँ कौन मेरा क्या करे। पर उस परिवार के बारे में सोचिए, अभी भी उन लोगों को थ्रेट है और उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर रहा होगा। मुझे लगता नहीं कि जीवन पर्यंत उनके दिमाग से वो चीजें निकलती है जब तक वो जीवित। इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। इनमें से कितने केसेस हैं जिनकी एफआईआर हो गई और ट्रायल शुरू हो चुकी है? मैम हम लोग करीब ऐसे 67 केसेस हैं जिनका हमारे पास लिस्ट है और जिनमें कुछ ना कुछ कार्रवाई हुई है। मर्डर केसेस की बात कर रहा हूँ, करीब 67 केसेस हैं। हम लोग ऐसे करीब 32 केसेस के पास गए, 32 लोगों को मिले, मर्डर विक्टिम फैमिलीज को मिले। तो जितनी फैमिलीज को हम मिले सब में कहीं ना कहीं स्टेज में प्रोग्रेस है। बहुत सारे लोगों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वहाँ पे जो सेशंस कोर्ट था उसने उनकी बेल दे दी थी जो कल्प्रिट्स थे, पर हाई कोर्ट ने उनकी वापस बेल रिजेक्ट कर दी, वापस वो अरेस्ट हो गए। तो प्रोग्रेस वहां पे है कई सारे केसेस पर। कई सारे केसेस में जो सच में कल्प्रिट्स थे, जैसे वहां का डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का टीएमसी का जो हेड है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है या एमएलए है, उन पे कार्रवाई हुई, लोग फंसे हैं, पर अल्टीमेटली यही लोग तो पीछे हैं, इन्हीं के डायरेक्शन पे ही सारी चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो कलकत्ता में केस हुआ, अभिजीत जो अभिजीत दा वाला जो केस हुआ, अभिजीत दा पे जो अटैक हुआ, उन्होंने फेसबुक लाइव भी किया मरने से पहले कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मेरे कुत्ते को मार दिया। वो एनिमल वेलफेयर चलाते थे, हाँ एनजीओ, तो उनके भाई से मेरी बातचीत होती है, तो विश्वजीत नाम है उनका। तो उनके भाई ने मुझे बताया कि उन लोगों को इलेक्शंस के, जो उनकी उस पर्टिकुलर सीट है, परेश पाल वहां के एमएलए हैं, इलेक्शंस के 5-6 दिन पहले परेश पाल उनके घर के आगे आए और धमकी देके गए उनकी माँ को कि तुम्हारे दोनों बेटों को मैं मार दूंगा। और इलेक्शन रिजल्ट के बाद हुआ वही, एक बेटे को मार दिया और एक बेटा बेहोश हो गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया, जो ज्यादा एक्टिविस्ट था उसको उन्होंने मारा, सर पे पत्थर कर दिया, उसका चेहरा पहचान नहीं आया। आप बुक भी आप देखेंगे तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत फोटोज हैं उसमें, तो दिखेगा कि चेहरा नहीं दिख रहा उस व्यक्ति। ये किताब आशीष आप भी ले आइए, एडमिन प्लीज ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन सो पीपल कैन सी, और अवश्य पढ़िए किताब। ये बातें याद करने लायक हैं, रखने लायक हैं, इनको भूलना नहीं है। ये सब हमारे मेमोरी और डीएनए का हिस्सा बन जाने चाहिए, तभी हम याद रख अगर याद रखेंगे और उसको जहन में पूरी तरह से समा लेंगे, तो आज केवल नहीं हमारे आने वाली जो अगली पुश्तें हैं वो भी तैयार हो जाएंगी इस जंग के लिए, क्योंकि एक तरफ का वॉर है, अभी तो एक तरफा वॉर है। जैसे कहानियां आप बता रहे हैं शिवम, इट्स क्लियर दैट दे हैव डिक्लेयर्ड वॉर, और निहत्थे लोग हैं एग्जैक्टली लगभग जिनके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया। मेरा जो अगला सवाल है आपसे कि क्या जो अटैक हो रहे हैं केवल गरीबों पे हो रहे हैं कि मध्यम वर्गीय इलीट वर्ग के ऊपर भी, कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं इसलिए उनको कोई पता ही नहीं और उनको कोई लेना देना नहीं? हाउ इज इट विद द इलीट ऑफ, या वैसे इलीट कहना, इंटेलेक्चुअल इलीट कहना तो मूर्खता होगी, क्योंकि मेरे दृष्टि से इंटेलेक्चुअल इलीट उसको कहा जा सकता है जो समाज को लीड करे, जो समाज की लीडरशिप रोल में हो। ये तो गुंडों के चमचे बने बैठे हैं, तो इलीट को क्या कहना, इलीट का कहाई के, फिर कहाई के इलीट पैसे वाले होंगे, पढ़े लिखे होंगे, पर कम से कम उस समाज के इलीट नहीं कहला जा सकते। तो मुझे बताइए, अटैक्स क्या केवल गरीबों पे, इसलिए इनको फर्क नहीं पड़ रहा जो बंगाल के भद्र लोग हैं? जी मैम, मैक्सिमम लोग जो लोग मरे हैं, मैक्सिमम लोग लोअर मिडिल क्लास, बिल्कुल नीचे तबके से और रूरल एरिया से, क्योंकि बीजेपी का जो ग्रोथ था पिछले कुछ सालों में वो तो रूरल एरियाज में बहुत हुआ है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन पकड़ था रूरल एरियाज में बहुत था, तो टारगेट करके मारा गया है कि इस तबके के एक व्यक्ति को मारेंगे तो उस जैसे जो 100 लोग होंगे वो चुप हो जाएंगे। तो मैक्सिमम लोग जो थे वो मिडिल क्लास भी नहीं कहूंगा, उससे भी नीचे वाले। कुछ लोग हैं
करीब 3 से 4 लोग होंगे जो मिडिल क्लास में भी आते हैं, या जिनके पास पूरी तरीके से पक्का जिसपे सीमेंट लगा हुआ है और पेंटेड घर है, ऐसे मुश्किल से 3 4 लोग। ऐसे लोग थे जिनके टीन शेड जिनके घर में लगे हुए हैं, सीमेंट भी पूरी तरीके से घर में, किसी ने दीवार में सीमेंट कर रखा है पर उसके छत पे टीन शेड लगा हुआ। तो मैक्सिमम लोग ऐसे थे कि जो दिन की दिहाड़ी कमाने वाले लोग थे, या किसान थे, बहुत छोटे किसान थे, या मछुआरे थे कि छोड़े मछली लेके आते हैं, बेचते हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग वही थे। और जहां तक है असर पड़ने की, तो थोड़ा सा इसके लिए बंगाल की अगर हम लोग राजनीति को हम अगर समझेंगे, वो किसी भी पार्टी में अगर ऐसा है, वहां पे कलकत्ता एक अलग एंटिटी है, रेस्ट ऑफ बंगाल एक अलग एंटिटी है। इसलिए जितने वहां पे चीफ मिनिस्टर्स रहे या मैक्सिमम पावर होल्डर्स जो रहे, मिनिस्टर्स हो सकते हैं रूरल, वो कलकत्ता या कलकत्ता के जो एडजॉइनिंग ग्रेटर कलकत्ता जिसे कह सकते हैं, वहीं से रहे। कोई भी वहां पे पावरफुल व्यक्ति वहां से बाहर का नहीं रहा। तो वो एक आपको सभी पार्टी में मिलेगा कि कलकत्ता वर्सेज ऑल। तो कलकत्ता एक अलग दुनिया है और बाकी का बंगाल बहुत एक अलग दुनिया है। तो कलकत्ता के लोगों को असर पड़ेगा, दुख होता है जो इस विचार से जुड़े हुए हैं, और लोग काम भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं रूरल एरियाज में गया तो आई वॉज अकम्पनीड बाय एक एमएलए का एमएलए कैंडिडेट है, और वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं लोकनाथ चटर्जी, लोकनाथ चटर्जी, और वो कई सारे केसेस में भी इन्वॉल्व हैं इम्पोर्टेंट। तो ही अकम्पनीड अस, क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी और वो बंगाल से हैं, तो सिक्योरिटी मिली हुई थी तो हम लोग सिक्योर होते। हम लोग मिल रहे थे किसी और नाम से, नाम बदल बदल के, या कहीं और मिलते थे सेफ जगह पर, लोग हेल्प कर रहे थे। भले वो कलकत्ता में है, साउथ कलकत्ता में रहते हैं और बंगाल पर, वो आए हमारे साथ, गए, खुद की भी जान जोखिम में डाली। तो हेल्प करने वाले लोग थे जो विचार से कमिटेड लोग, जो आइडियोलॉजी से कमिटेड हैं, जो हिंदुओं के लिए काम करने चाहे हैं। लोगों को ऐसा दुख था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको फर्क नहीं पड़ा, पर मैक्सिमम लोग जो विक्टिम्स थे वो सब रूरल, बिल्कुल निचले तबके के समाज। अभी जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है बंगाल की, बहुत तेजी से बदल रही है, ये सबको मालूम है। आपके अंदाजे से रियलिस्टिक क्या है एस्टिमेट आपका? एक तो है जो सेंसस बताती है, और सेंसस इज नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन, वेयर आइदर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आर कंसर्न। दे हैव फाउंड अ वे ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, दो दो नाम रखते हैं ताकि मूर्ख हिंदू मूर्ख ही बने रहे। आपका क्या अंदाजा है? डेमोग्राफिक बहुत बदलाव आ चुका है और बहुत टारगेटेड एरियाज में है। जैसे बंगाल की बात करेंगे, वो पूरा बॉर्डर एरियाज में है और आइसोलेटेड एरियाज में है। जब आप वहां जाते हैं, स्पेशली जो चिकन नेक वाला जो एरिया हम बात करते हैं, जो दक्षिण बंगाल से उत्तर बंगाल को जोड़ता है, मालदा, जो जो मैं फरक्का बैरेज की बात कर रहा था, वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है। फरक्का बैरेज के उस साइड उत्तर बंगाल है, इस साइड दक्षिण बंगाल है। तो उस पूरे रीजन में हम जाएंगे, और वो इतना इम्पोर्टेंट रीजन है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से कि वो कट जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट भी कट सकता है। तो उस रीजन में पूरी तरीके से डेमोग्राफी का बदलाव हो चुका है। एक मालदा में, जैसे फरक्का बैरेज क्रॉस करते हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते हैं, एक चौक आता है कालिया चौक करके, जिसका नाम कालिया चौक है। वहां पे 90% मुस्लिम हैं, एक धर्म विशेष के लोग हैं, और जितनी भी आर्म डीलिंग से लेके, इंटरनेशनल आर्म डीलिंग की बात कर रहा हूँ, से लेके कैटल स्मगलिंग से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी, वो एरिया उस चीज के लिए जाना जाता है। और ये आपको ऐसा नहीं है कि अंदर जाके कोई बहुत सीक्रेट है, सबको पता है वो चीज कि ये सारी चीजें होती हैं और होती आ रही हैं। तो डेमोग्राफी डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है वो बहुत ही रियल थ्रेट है। इवन जो बंगाल से बाहर वाले लोग हैं, इवन मैं, मुझे भी ऐसा लगता था, सुना था कि है, पर हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस गति से वो चीज हो रही है। और मैं अपने शब्दों को बिल्कुल टोल मटोल नहीं करूंगा ये कहने में, और पब्लिक प्लेटफॉर्म से भी मैं कह सकता हूँ कि अगर चीजें नहीं बदली अगले 5 7 साल में, तो 15 से 20 साल बाद हम दूसरे पार्टीशन की तरफ मुझे जाते दिख रहा है। कि आप जो 1940s का 30s का हम लोग जो बंगाल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जो सिचुएशन हम तब तब देखते आ रहे थे, वो सिचुएशन अभी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है। अभी अगर कोई बड़ा कोई ट्रिगरिंग मूवमेंट है, तो अभी भी पार्टीशन जैसी सिचुएशन हो सकती है अभी भी। मुझे लगता है कि अब ये पार्टीशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि
इन्हें सारे देश में फैलना है, तो एक बंगाल को पार्टीशन करके क्या करेंगे? एफर्ट तो यही होगा कि अगर मान लीजिए आपने कितने परसेंट कहा, आपको क्या लगता है ओवरऑल कितने परसेंट होंगे आज के ओवरऑल बंगाल में? कई जगह आपको 90% 40 है वगैरह। हाँ, ओवरऑल, जैसे अभी सेंसस के हिसाब से हम देखेंगे तो 30% के आसपास आता है, नहीं, बहुत ज्यादा और है इससे। वो, हाँ मैं वैसे मुझे लगता है कि अराउंड 40 है, 40 तो सीधा होंगे, सीधा 40% अगर अराउंड। 40 है, और ये हिस्टोरिक एक्सपीरियंस है कि वंस दे रीच 30%, देन 30 to 90% इज नेचुरल प्रोग्रेशन एज फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न। फिर वो रुकते नहीं है 90% से पहले। तो इसलिए ये मानना कि एक और पार्टीशन मांगेंगे, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब PFI ने भी जैसे तो खुला लिखित में है, उनका तो ऐलान है कि 2047 तक उन्होंने पूरा इस्लामीकरण करना। तो 40% से 90%, 80%, मतलब कोई उनके लिए उनको मुश्किल नहीं लगता। अब सवाल ये है कि जो हमारी ओर से या भाजपा की ओर से, क्योंकि आप भाजपा से या ABBP से जुड़े हुए हैं या RSS से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक अंदाज़ा हमें देना है, एक तो कि क्या तैयारी है इसको रोकने की, नंबर वन। बट मोर इम्पोर्टेंटली, एक तो आपने बताया किस किस्म से स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ, अधेड़ महिलाओं के साथ, ग्रैंड मदर्स के साथ क्या क्या हो रहा है। दूसरे, जो आगजनी की, प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए लोगों को घरों से भगाया, 1-2 लाख लोग सुना है जो असम गए थे वो वापस लौटे कि अभी वहीं है बेचारे रिलीफ कैंप्स में, रेफ्यूजी कैंप्स में, जरा उसकी भी चर्चा कीजिए। एंड व्हाट फॉर्म डिड अटैक्स, मर्डरस अटैक्स और अटैक्स ऑन प्रॉपर्टी, तो आपका घर ही जला दिया, लूट लिया, जला दिया, इसका थोड़ा ब्यौरा दीजिए। मैम, मैं पहले रिफ्यूजीज के आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था, मैं वो पहले जवाब दूंगा क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू प्रिपरेशन। तो जैसे रिफ्यूजीज की जो बात है, वो जैसे आपने बताया 1-2 लाख लोग थे जो डायरेक्टली अफेक्टेड थे, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको डेथ थ्रेट्स थी कि अगर वो रहते तो उनको मार दिया जाता, तो उस वजह से इसीलिए वो मैं अपने कह रही हूँ परिवार को 500 छोड़ रेप नहीं हो सकते। अगर 2 लाख घर से उजड़ के पहुंच गए, तो आप सोचो क्या क्या नहीं झेला होगा। देखिए, उजड़ने से पहले अपना घर बार छोड़ के रेफ्यूजी कैंप में बगल के स्टेट में जाना, तभी लोग सोचते हैं जब बहुत कुछ बीत चुका होता है। और हिंदू तो खासकर तैयारी मानसिक भी नहीं करके रखते कि अगर ये होगा तो हम क्या करेंगे। सो विच मीन्स 500, 5,000 की भी बात मत करो, यू हैव नो आइडिया, लेट्स फेस इट, एग्जैक्टली नोबडी हैज एन आइडिया। ये वही हाल हो रहा है हिंदुओं का जो बांग्लादेश में हो रहा है, और बांग्लादेश का एक्सटेंशन बन गया है इन वन सेंस, क्योंकि एक तो बांग्लादेशी इतने आ गए और उनका मैंडेट ही, उनको भेजने का मैंडेट ही यही था कि वहाँ इस्लामीकरण करना है। तो नंबर्स का मुझे लगता है कभी भी 500, 1,000 इस तरह के नंबर फ्लोट करिए ही मत, इट्स जी इट्स वेरी मिसलीडिंग। 2 लाख लोग असम पहुंचे हैं, अब वो वापस आए कि नहीं ये बताइए। मैम, मैक्सिमम लोग वापस आ गए अभी, पिछले दिसंबर तक लोग नहीं आए थे, लगभग पिछले 2021 दिसंबर तक लोग नहीं आए थे, अभी लोग वापस आ रहे हैं। तो यहीं से वो प्रिपरेशन वाले सवाल का भी आता है। अभी पिछले 3-4 महीने में जैसे NIA वहां पे एक्टिव हुआ है, इवन CBI भी वहां पे एक्शन ले रहे हैं, तो लोगों में वो जो एक 2021 असेंबली चुनाव के पहले मैं जो जोश देख रहा था कि निडर होके लड़ना, सीधे चैलेंज करना लोकल डिस्ट्रिक्ट जो लोग थे TMC के, उनको वो चीज वापस आते लोगों में, जिन लोगों का 1 साल पहले, मुश्किल से 1 साल पहले जिनके घर को बिल्कुल खत्म कर दिया क्योंकि सब लोग बहुत गरीब लोग थे, घर में किसी की अगर छोटी सी कलर टीवी है, कलर टीवी भी चोरी कर ली है, वो लोग घर वापस आ गए हैं और लड़ने को तैयार है। और वो जो संख्या है लड़ने वाली, जो ऐसे लोगों की जोश वाली संख्या है, वो वहां पे अभी जो प्रोटेस्ट हो रही है, चाहे वो न्यूट्रल प्रोटेस्ट हो, चाहे वो पार्टी की हो, चाहे वो ABBP की प्रोटेस्ट हो, उसमें दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कलकत्ता में कॉलेज स्ट्रीट नाम की जगह है, वहां पे जो मेन जगह है, वहां पे
वहां पर एबीपी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ जितना अभी पिछले महीने हुआ। 4 घंटे तक वहां पे जाम लगा के रखा रखा लोगों ने, और लोग आए, 1.5-2 हजार लोग उस जगह पे आ गए। उनको पता है कि उनके घर पे अटैक होगा, उनको लोग फॉलो करेंगे। तो वो जो रजिस्टर करने वाली जो हमारे लोगों में एक जो है ताकत है, वो लोग वापस उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2021 के बाद जो हुआ उसके बाद से लोगों ने, अभी तक वो लोग उसको बंगाल के लोग राजनीति के हिसाब से सोचते थे कि पहले कम्युनिस्ट करते थे, अभी टीएमसी कर रही है, पर चुनाव के बाद जैसी हिंसा हुई उसके बाद से जो धर्म का एंगल आया है वो मैक्सिमम लोग उस चीज को लेकर सीरियस हो गए। और पार्टी और संगठन, पार्टी के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता, मतलब मुझे उतना नहीं है, पर संगठन के स्तर पे, विद्यार्थी परिषद के स्तर पे लोगों में वो जोश आ रहा है, वापस लोगों को इकट्ठा करना वो चीज हो रही है। और उसको लेके विदाउट अपने शब्दों को ऐसा नहीं कि आप बदलें या पब्लिकली ना बोलें, लोग पब्लिकली बोल रहे हैं और सपोर्ट वो आ रहा है, लोग वापस गैदर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मार दिए गए, भाग गए या चुप होके बैठ जाएंगे, अगले चुनाव से पहले जागेंगे, ऐसा नहीं है। लोग अभी से लड़ने को तैयार हैं। और वहां पे गवर्नमेंट की पॉपुलरिटी अभी काफी कम है, इवन 2021 से पहले भी जितना एमसीटीएमसी माहौल नहीं था उतना अभी है, वो दिख रहा है। लोगों से बात होती है जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो सब पता चलता है कि वो लोगों में वो दिख रहा है, और लोग रियलाइज कर रहे हैं किस तरह की थ्रेट है। ये सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है। तो जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो क्षेत्रवाद से बात काफी उठ के आ गए, क्योंकि 2021 चुनाव में वो क्षेत्रवाद का काफी विषय रहा। तो एक वो काफी पॉजिटिव एक मैं वहां पे देख पा रहा हूँ लोगों से बात करने में भी, और लोगों में वो एनर्जी दिख रही है कि होगा, होपफुली वो चीज कंटिन्यू रहे और भी लोगों को सपोर्ट मिले और निडर होके वो लोग काम करें। तो वो प्रिपरेशन की बात है। मैंने ये भी सुना कि कुछ तो सीपीएम के जो गुंडे थे वो टीएमसी में सीधे चले गए, इसलिए ममता की पार्टी सीपीएम का जिसको बोलेंगे क्लोन बन गई। सिर्फ टॉप लीडर्स नहीं है पर रैंक एंड फाइल सीपीएम के सारे गुंडे वहां पहुंच गए। तो इसीलिए एक तो ये कारण, दूसरा जिस खुलेपन से इस्लामी आके अब ममता के ड्राइविंग सीट में लगता बैठे हैं। जब तक ज्योति बासु थे तो ये नहीं लगता था ड्राइविंग सीट में मुस्लिम्स हैं, आज तो लगता है ड्राइविंग सीट में ममता ने उनको बिठा दिया है। डू यू सी दैट डिफरेंस? कम्युनिस्ट वैसे उतने ही जालिम होते हैं जितने इस्लामी होते हैं। आई डोंट सी एनी डिफरेंस। ये इस तभी इन दोनों का इतना प्रेम भी, आपस में घनिष्ठ प्रेम भी रहता है। पर डू यू सी दैट डिफरेंस? दिख रहा है मुस्लिम ड्राइविंग सीट में है, मुस्लिम लीडर्स अभी वहां पे इन्वॉल्व है सारी चीज में, वो क्लियरली दिखता है। और जिस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, या पॉलिसीज से ज्यादा पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, उसमें वो क्लियर दिख रहा है लोगों को। जिसे मैंने बताया कि कई जगह पे टीएमसी के लोगों के घर पे अटैक हुआ है। तो जो ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक ब्लॉक है केशियारी करके, तो वहां के बीजेपी के व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया हमें कि कैसे टीएमसी के लोगों के घर की महिलाओं को भी छेड़ा गया, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की महिलाओं को भी छेड़ा गया, और वो बीजेपी वालों को फोन लगा रहे हैं कि कुछ करो बचा लो हमें, पर वो टीएमसी वाले लोग बोलेंगे, कोई भी हिंदू इस विषय के बारे में कभी भी पब्लिकली नहीं बोले। तो वो तो चीज है, इवन टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को। अब डिनाइल मोड में बंगाल के लोग रहते हैं मैक्सिमम, मुझे नहीं पता कि वो कितना उनसे अगेंस्ट होकर पार्टी के विरोध में जाएंगे, पर मैनी मुझे जितना लोगों से बात पता चलता है कि टीएमसी के लोग जो कार्यकर्ता हैं, कैडर है, वो रियलाइज कर रहा है कि ये मुस्लिम आर इन ड्राइविंग सीट उनकी पार्टी। और जैसे आपने सीपीएम वाला आईएम वाला बताया, तो बहुत सारे जो माओइस्ट थे, अगर हम लोग 2009 और 10 के समय देखेंगे, इवन 6 में भी देखेंगे, तो जैसी इंडस्ट्री लाने की उन्होंने कोशिश की नंदीग्राम में जो हुआ, बाकी जगह जो हुआ, तो जो एक रेडिकल या जिसे माओइस्ट हम कहेंगे, तो माओइस्ट जो एलिमेंट था पार्टी का कम्युनिस्ट का, वो आके इधर ममता के साथ अलाइन हो गए। और उनमें से कई लोगों के नाम, जैसे छात्रधर महतो है, वहां पे चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक हुआ, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, साथ में केंद्रीय रामविलास पासवान भी उनके साथ थे, रामविलास पासवान भी उनके साथ थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था,
और उस समय क्या हुआ कि माओइस्ट बहुत एक्टिव हो गए थे और वो पूरे अलाइन हो गए ममता बनर्जी के साथ। और 2011 के बाद ममता बनर्जी ने भी दिखता है कि छात्र महतो मतलब 2011-12 से जेल में है जैसे ही पकड़े गए, पर 2019 के चुनाव में भाजपा को जंगल महल वाला जो एरिया है, ट्राइबल जो एरिया है, भाजपा लीड में थी, भाजपा वहां पे एक तरफा जीती, इसीलिए देखा कि 2021 की स्टार्टिंग में छात्रधर महतो को बेल मिल गई, पैरोल पे वो आ गए, बेल नहीं पैरोल पे वो आ गए, और उनका छात्रधर महतो फेस थे, तुरंत एनआईए ने उनको पकड़ लिया दूसरे केस में। पर जैसे ही वो बेल पे आए तो वहां का उनका जो कैडर, उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, माओइस्ट थे जो वापस अभी सेटल हो गए थे समाज में या पुलिस में, या उन लोगों को नौकरी दी गई थी या अलग अलग जगह पे नौकरी दी गई थी, वो सब लोग एक्टिव हो गए। और वो दिखता है वो सारी चीज कि जो कम्युनिस्ट जंगल में थे या फिर यहाँ पे आके समाज में आके सेटल हो गए, वो वापस ट्राइबल एरियाज में ममता बनर्जी के साथ अलाइन हुए। और वो रिजल्ट में दिखा 2021 में, 2 साल पहले जंगल में बीजेपी स्वीप कर रही है और 2 साल बाद टीएमसी स्वीप कर रही है। 2020 के एंड तक पंचायत इलेक्शन तक वहां पे बीजेपी का प्रभाव दिख रहा था, पंचायत इलेक्शन जिसमें सब कुछ रिगिंग हो जाती है तो भी वहां पे प्रभाव दिख रहा था, पर 2021 में आके चीजें बदल गई, क्योंकि जो और रेडिकल एलिमेंट था जो इन्होंने अभी दबाया हुआ था ममता बनर्जी ने। प्लीज डोंट यूज द वर्ड रेडिकल फॉर मर्डरस फासिस्ट, प्लीज डोंट एवर यूज इट। मुझे समझ नहीं आती क्यों हम इतनी गलत वोकैबुलरी यूज करते हैं। आप डिक्शनरी मीनिंग देखिए रेडिकल का, रेडिकल का डिक्शनरी मीनिंग होगा गोइंग टू द रूट ऑफ थिंग्स। ये तो जड़ें काटते हैं समाज की, ये तो जड़ें काटते हैं सभ्यता की। इनको रेडिकल काहे को किस लिए कहते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। टेररिस्ट बोलो, सीधे साधे फासिस्ट बोलो, जो असली वोकैबुलरी है। हो क्या रहा है कि आप उनको रेडिकल कह रहे हैं, जो इतना घटिया शब्द नहीं है, इतना इंसल्टिंग या इतना डरावना नहीं है। वो आपको फासिस्ट कहते हैं, भाजपा को आपने वो फासिस्ट अपने ऊपर चिपकवा लिया। मार भी खाते हो और फासिस्ट भी कहलाते हो, बिकॉज यू डोंट कॉल देम बाय द राइट नेम। एंड आई रियली थिंक दिस नीड्स टू बी डन। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, प्लीज कंटिन्यू। तो मैम, जो जंगल महल में चेंज आया, तो जो टेररिस्ट एलिमेंट थे, माओइस्ट जो एलिमेंट थे, वो एकदम से आके पूरा 2021 में फिर से अलाइन हो गया ममता बनर्जी के साथ। और वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में आप देखेंगे वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन कम है, वो बढ़ती जा रही है, बस रहे हैं वहाँ पे भी लोग पर पॉपुलेशन कम है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ पे माओइस्टों को अपने साथ लेके, मुस्लिम एरियाज में तो मुस्लिम उनके साथ हैं। तो जमीन पे जो एक पूरा चुनाव के पहले जो माहौल, चुनाव के दौरान जो एक माहौल बना टीएमसी के फेवर में, तो जितने ज्यादा एक्सट्रीम और टेररिस्ट मेंटेलिटी के लोग थे वो सब जाके जो पार्टी इन पावर है उसके साथ जुड़ गए, ममता बनर्जी के साथ जुड़ गए। और वो उसके कैडर को भी रियलाइज हुआ, क्योंकि पार्टी में रहने से सरकार में आप हैं तो उनको मॉनेटरी फायदा भी होता है, बंगाल में गरीबी भी बहुत है, राजनीति से जुड़ने का ही ग्राउंड पे भी वो कारण अलग से समझ में आता है। तो इस वजह से लोग शांत हैं, पर रियलाइज कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों को रियलाइज हो रहा है कि कैसे वो पार्टी की लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करने वाले हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान, वो रियलाइजेशन दिख रहा है लोगों। टीएमसी वर्कर्स ज्यादा तो शुरू में तो हिंदू ही थे, ये तो बाद में हाईजैक किया मुस्लिम्स ने। अब क्या हिंदू अपनी हिंदू अस्मिता को बिल्कुल भूल चुके हैं कि उनको अब पहचान अपनी समझ आने लगी है कि हमको भी छोड़ेंगे नहीं इस्लामिस्ट, भले ही मैं एक ही पार्टी के होंगे। क्या ये एहसास है? क्योंकि इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे याद है कि जब तक कम्युनिस्ट पावर में थे तो दुर्गा पूजा के जो दिन होते वो सारा पीरियड सारी बंगाल के दफ्तर बंद हो जाते थे, सब कुछ, सब कम्युनिस्ट लीडर्स भी आपको दुर्गा पंडालों में दिखते। उसको कभी उन्होंने शन नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया, उसको डिसरप्ट नहीं होने दिया। इनफैक्ट बड़े धूमधाम से सीपीएम के वर्कर्स भी चलाते थे पंडाल ये वो। अब तो देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा मनाना भी एक हाई रिस्क वेंचर हो गया है बहुत जगह में। ये जो माहौल बदला है, तो क्या इससे भी टीएमसी के वर्कर्स कुछ जागरूक होने लगे हैं क्या?
यहाँ पे भी आता है कि कितनी कंसंट्रेशन में उस एरिया में मुसलमान है, जहां पे वो 60 से 70% हैं वहां पे लोग अलार्म्ड हैं, वहां पे लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, पर जहां पे वो 30 हैं 40% भी इवन है 50% तक भी, अगर जहां पे 50-50% का भी है वहां पे लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। ये वॉर बहुत अनफॉर्चुनेट है, जहां पे वो 30% 40% इसका बच्चे वहां पे एग्जिट ये हो। भी तो कारण हो सकता है शिवम जी, इसका ये भी तो कारण है ना कि बीजेपी भाजपा की जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो खुल के इस्लाम को कन्फ्रंट नहीं करती। अभी ही जो हाल ही में दिल्ली में भाजपा के एक लीडर आप जानते हैं वर्मा साहब की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ये जो सरतन से जुदा की घटनाएं घटती जा रही हैं और हिंदू स्त्रियों के साथ जो बहुत ही अप्रिय और बहुत ही बर्बर किस्म के रेप और धोखे हो रहे हैं, तो उन्होंने टोटल बायकॉट की बात कर दी और डांट पड़ गई भाजपा के हाईकमांड से कि ये हमारी लाइन नहीं है। जब तक भाजपा खुल के नहीं बोलेगी तो अवेयरनेस आएगी कैसे? अभी भी सबका साथ सबका विकास की कहानी चले जा रही है, कहाँ छोड़ा वो नारा, ये वाहियात सा नारा, और सबका साथ तो संभव हो नहीं पाया, परंतु जो हरकतें हैं भाजपा की वो तो अभी भी तृप्तिकरण की ओर चल पड़ी, तुष्टिकरण से आगे। तो कैसे कैसे करेंगे अभी वो तृप्तिकरण? तो इनको तृप्त तो केवल एक चीज से होंगे ना, तृप्ति तो एक ही चीज से होगी है, वो है पूरा 100% इस्लामीकरण। तो क्या भाजपा की टॉप लीडरशिप उसके लिए तैयार है कि वो वहां तक पहुंचाना है? ये तो बच्चा बच्चा है जो थोड़ा इतना सा भी इस्लाम का ज्ञान रखता है कि तृप्ति एक ही चीज से होगी, आप सोने से भी तोल दो हर मुसलमान को तब भी वो तृप्त नहीं होगा जब तक हर काफिर का गला नहीं कटेगा। ये बात क्यों नहीं भाजपा की या आरएसएस की समझ में आ रही, खुल के क्यों नहीं ये कह पा रहे? जमीन पे तो जितना मेरा अनुभव रहा बिल्कुल चीजें ओपनली है, जहाँ जरूरत है वहां पे चीजें जमीन पे हो रही है। टॉप लीडरशिप के बारे में मैं उतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, पर जमीन पे जैसे मैं बंगाल में था तो वहां पर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को बहुत क्लैरिटी है चीजों की और लोगों के घर जाके वो चीजें बताई भी जा रही है। पर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को वो भी समझना पड़ेगा कि समाज, हर समाज का एक अलग स्वभाव होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में थोड़ा अलग है वैसे ही बंगाली समाज का भी थोड़ा सा स्वभाव, और स्पेशली जिसपे जो कम्युनिस्ट राज जो रहा, जैसे आपने बताया दुर्गा पूजा वाला आपने जो एग्जाम्पल दिया, तो लोगों में रिलीजन को उन्होंने जैसे हमें पढ़ाया जाता था बचपन से, मुझे भी वही चीज पढ़ाई गई है, मैंने देखा ऑब्जर्व किया हमेशा से बचपन से कि रिलीजन आपका इंडिविजुअल अफेयर है, आपका व्यक्तिगत चीज है रिलीजन, तो एक समाज के तौर पे रिलीजन को वहां पे खत्म कर दिया गया। ये कम्युनिस्ट रूल के 4 डिकेड का एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है वहां के समाज पे, तो एक समाज, हम लोग एकजुट हैं ये समाज का ही पूरा है, वो खत्म हो चुका है, वो इंडिविजुअल अफेयर हो गया है बंगाल में, तो उस वजह से वो एकजुटता उतनी नहीं आ पा रही है, जहां पे अगर थोड़ा 40% मुसलमान भी होंगे तो वो एक बहुत बड़ा कारण है उस समाज में। जिसे जमीन पे तो लोग है उसके बारे में चर्चा हो रही है, लोग बात करते हैं, पर वही है डिनाइल मोड में हम लोग हैं, जैसे पूरे भारत में, बंगाल में थोड़ा ज्यादा। कम से कम ग्राउंड का कार्यकर्ता ये खुल के बात कर रहा है कि दरअल इस्लाम बनाना चाहते हैं, ये वोकैबुलरी में आ चुका है कि नहीं? बिल्कुल आ चुका है, नहीं चल रही है, बिल्कुल आ चुका है, नहीं आ चुका है बिल्कुल, पर अनफॉर्चुनेटली वही आया है जहाँ पे 60% मुसलमान या 70% नहीं, पर भाजपा अगर देखिए, अगर भाजपा ये अवेयरनेस फैलाए, क्योंकि आखिरकार आज के दिन अगर मुस्लिम परिवार का एक 4 साल का बच्चा भी उस मिशन के लिए तैयार है, उसको मालूम है कि उसको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, इस्लाम का झंडा फहराना है सारी दुनिया पे, ये 4 साल का बच्चा भी जानता है हर मुसलमान परिवार का। अब वो कैसे हुआ, कोई सरकार तो नहीं बताती ये बातें, ये तो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने, उनके मदरसों ने, मस्जिदों ने सब मिलके किया, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज भी।
तो अगर भाजपा ये वोकैबुलरी को काउंटर करने के लिए सच बोलना नहीं सीखेगी, ऊपर की भी, शिखर की लीडरशिप भी, तो नीचे वाला का तो वही हाल होगा ना, जैसे साहिब सिंह वर्मा के बेटे का हुआ, डांट पड़ दी पब्लिकली, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया, जैसे ही थोड़ा सा कोई उठता है डंडा आ जाता ऊपर से, नहीं, ये हमारी पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी लाइन तृप्तिकरण है, तुष्टिकरण से भी ऊपर की कैटेगरी तृप्तिकरण। तो ये तृप्ति कब कैसे होगी, जब तक हर हिंदू कत्ल वाजिबे कत्ल बन के तैयार नहीं होता लुप्त होने को, तब तक तो तृप्ति होनी नहीं। तो क्या तैयारी की जा रही है कि हम हिंदू समाज को कन्वर्जन के लिए तैयार करें, तभी तो तृप्तिकरण होगी, क्या ये वो है तैयारी? तैयारी तो है, जमीन पे तैयारी है, ऊपर वाले लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हिंदू समाज के हम अब मुसलमान बनने को तैयार हो जाएं, जैसे गांधी उसी दिशा में नहीं ले गए, क्या भाजपा का नेतृत्व भी उसी दिशा में ले जाने के मूड में है? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, वो अपने पॉलिटिकल कारण से इसलिए ऊपर तृप्तिकरण का थे। क्या मतलब हुआ? आप पूछते हैं अपने नेताओं से, एबीवीपी के नेताओं से तो पूछते होंगे, तृप्तिकरण का मतलब क्या हुआ, जरा मुझे समझाइए। जमीन पे तो जितना हमने विद्यार्थी परिषद में भी वहां काम किया, वो तो क्लैरिटी है, यहाँ समस्या है, समस्या है। विद्यार्थी परिषद का अपना एक स्कोप है स्टूडेंट्स के बीच काम करना, जहाँ स्टूडेंट्स के बीच में काम करते हैं और जितना हो सकता है वहां पे चर्चाएं होती हैं, बिल्कुल ओपनली चर्चाएं होती हैं। अच्छा ये बताइए, क्या कांग्रेस वर्कर्स को भी अटैक किया जा रहा है? वो इस सारे गेम में कहाँ बैठे हैं? सीपीएम तो या तो गुंडे उधर चले गए या वो डर के दुबक के बैठ गए, कुछ एक भाजपा की तरफ भी आ रहे हैं, कांग्रेस का क्या रवैया है? कांग्रेस ने तो इस बार वॉकओवर दिया, कांग्रेस ने, कम्युनिस्टों ने इस बार वॉकओवर दिया, वॉकओवर दिया टीएमसी को, और पूरा सपोर्ट उनका अंदर से रहा, इसलिए वो पूरा वोट एकजुट हो गया। और जहां तक उनके कार्यकर्ताओं की बात है, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन वाले एरिया है वहां टीएमसी के लोगों को नहीं छोड़ा, तो कांग्रेस वाले लोगों को पे भी अटैक हुआ है। कांग्रेस के कई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हैं उन पर भी अटैक हुआ है। पर कोई भी ऐसा मर्डर हुआ है कांग्रेस के किसी नेता का, या कोई रेप की ऐसी कोई घटना है, वो ऐसी जान में, मतलब हम लोग वहां गए तो ऐसी कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि हम चाहते थे कि ऐसा कुछ अगर है तो हम लोग उनके उन लोगों से भी मिलें, क्योंकि बात यहाँ तो हिंदुओं की है, पार्टी से ऊपर उठ के है जिसे टारगेट किया जा रहा है। पर ऐसा कोई मर्डर अभी तक मैं किसी भी ऐसा मर्डर, मतलब मुझे ऐसी इसकी डिटेल नहीं मिली। और वॉकओवर उन्होंने दिया इलेक्शन में, पूरी तरीके से वॉकओवर दिया, सपोर्ट पूरा उनका टीएमसी को रहा। से बाकी देश में भी देख रहे हैं वक्फ एक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, तो बंगाल में तो वक्फ एक्ट का बहुत और भी खुल के और अब और भी भयंकर रूप में इस्तेमाल हो रहा होगा। ये प्रॉपर्टी हथियाने के जो केसेस हैं, क्या इसकी भी कोई डॉक्यूमेंटेशन चल रही है? हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी हथियाई जा रही है, उनको निकाला जा रहा है गांव से या डर के निकल पड़े, अब जो पूरी तरह मुस्लिम मेजोरिटी इलाके बन गए वहां पे हिंदू क्या प्रॉपर्टी बेच के आए कि हथियार ली गई? क्या किसी ने डॉक्यूमेंट भी किया कि वहां जो रहते थे वो कहाँ गए, उनके घर बार का क्या हुआ? मैम, इसमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं विद द सपोर्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हिंदू संहिता करके है, तो वो जो सिंघो वाहिनी करके है, तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हो रही हैं वो एक तो कन्वर्जन के विरोध में, जो क्रिश्चियनिटी से जो कन्वर्जन करवाने के लिए लोग आते हैं उसके विरोध में, और जहां से इनको पलायन करना पड़ रहा है हिंदुओं को, वहां पे लड़ने का काम, तो वैसे कुछ संगठन हैं जो स्पेसिफिकली ये इसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिव से थोड़ा हटके स्पेसिफिकली इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। और ट्राइबल एरियाज में जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है और बाकी के और संगठन है, वो जमीन पे इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन कहीं है इसके बारे में, मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर संगठन वहां पे काम कर रहे हैं, डेटा भी पूरा आता है। जी संगठन कहना ही दे, नाम मात्र संगठन होते हैं हमारे हिंदुओं के, उनके बराबरी के तो नहीं है ना कहीं भी। नहीं है ना, तो उतना हमें फंडिंग है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये इतना सा काम हमारा होता है और उनका वहां तक पहुंचा होता है, क्योंकि जो साधन उनके पास है, जो डिटर्मिनेशन उनके पास है,
जो कमिटमेंट उनके पास है वो अगले 500 साल की तैयारी करके बैठे हैं, हमारी 500 घंटे की तैयारी नहीं है। अब दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये कि बंगाल की पुलिस की रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है? मैम, इसका डेटा अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन का, पर वहाँ की पुलिस एक कैडर की तरह काम करती पार्टी है। हर कैडर जगह की ऐसा होता है, तरह? स्टेट हर जगह हर स्टेट में ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी के हिसाब से चलते हैं, उनकी सुनते हैं, पर वहाँ पे कैडर की तरह काम, पूरी तरीके से पार्टी। तो अगर वहाँ का कोई पुलिस वाला, अगर हिंदू भी है, अगर उसको डायरेक्शन किसी और चीज के हैं तो वैसा ही काम करेगा। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि इलेक्शन से पहले वोट फॉर बेटर एजुकेशन का हम लोग कैंपेन चला रहे थे। मैं खुद उस ऑटो में था जिसमें एक हमारा कार्यकर्ता था, बांग्ला में बोल रहा था कि अच्छी एजुकेशन के लिए आप वोट दीजिए, इतनी समस्या है वहाँ, कट मनी का सिस्टम है, उन सब के बारे में चर्चा कर रहा था। तो हम एक धर्म विशेष के ज्यादा पॉपुलेट मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में हम लोग के पास से गुजरे, तो हमें रास्ते में रोका, हमारे साथ मारपीट हुई, और एक व्यक्ति टीएमसी के व्यक्ति ने आके हमें बचाया। वो लोग तो बाहर खींच के, पास में एक नाला बह रहा था वहां फेंकने का ऐसा, और सब लोग हिंदुस्तानी में बात कर रहे थे, उर्दू में बात कर रहे, कोई भी उनमें से बांग्ला में बात नहीं कर रहा था। तो व्यक्ति आया टीएमसी का और उसने आके बोला कि अभी कुछ नहीं करना है, 3 दिन बाद इलेक्शन है, आखिरी दिन था कैंपेन का और 72 आवर्स पहले खत्म होना था, तो 3 दिन बाद इलेक्शन है, उसने इस वजह से हम लोग उस दिन बच गए। तो उसके बाद मैं वहां पे पुलिस थाने में गया रिपोर्ट करने, मैंने वहां पे बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मुझे प्रोसेस एक पता था लॉ स्टूडेंट के नाते, तो मैं उनको अच्छे से बात कर पा रहा था। तो उनमें से एक पुलिस अधिकारी था, वो उसने मुझे साइड में ले जाके मुझसे बात किया कि आप जो बोल रहे हैं मैं कर दूंगा, आप बोल रहे हैं मैं रिपोर्ट दर्ज कर देता हूँ, पर आपने वहां पे राइट्स, आपने वहां से मुसलमानों के विरोध में बातें की और आपने वहां पे दंगे भड़काने की कोशिश की, ये उस पुलिस वाले ने मुझे बोला। ही वॉज इंडिकेटिंग कि अगर मैं ये केस करता हूं तो मैंने राइट फैलाने की कोशिश करी तो वो केस मुझ पर कर देगा जिसमें मुझे जमानत क्लेम होगी। ये तो पुलिस की सारे देश में ये गुंडागर्दी है। कोई क्रिमिनल के खिलाफ आप जान जाओ एफआईआर दर्ज कराने, वो काउंटर करने के लिए, काउंटर ब्लास्ट करने के लिए वो क्रिमिनल ने आपके ऊपर पहले केस कर दिया होता है। ये दिल्ली में मेरे जैसे लोगों के साथ हुआ है। अगर गुंडों से आपका किसी पब्लिक इशू पे पाला पड़ जाए, दे डू एग्जैक्टली व्हाट इस्लामिस्ट डू, व्हिच इज आपके ऊपर काउंटर केस पहले है, तो आप देन यू आर एट पार विद द मर्डरर्स, यू आर एट पार विद द क्रिमिनल्स, क्योंकि ये शो करेगी पुलिस कि ये तो दोनों का आपसी झगड़ा था। और फिर कोर्ट भी कहेगी कुछ तुमने मारा कुछ उसने मारा, तो चलो अब रफा दफा करो। तो ये तो हमारी पुलिस की फितरत सारे देश में है। और आप कह रहे थे कि हर हर प्रांत में रूलिंग पार्टी के मर्जी के अनुसार पुलिस काम करती है। भाजपा को वैसी पुलिस मैनेज नहीं करनी आती, लेट्स फेस इट, जितनी अच्छी कांग्रेस को करनी आती है, या जितनी अच्छी कम्युनिस्ट को या टीएमसी को या डीएमके को मैनेज करनी आती है, भाजपा की कहाँ। योगी जी की पुलिस भी कितने उलझुल काम कर देती है। मेरे ऊपर ही एफआईआर डाल दी फालतू में, सुल्तानपुर में फालतू में, मतलब बिल्कुल नॉनसेंसिकल। तो अगर योगी जी के चलते दिल्ली में बैठे एक ट्वीट को लेके, जो कि झूठ नहीं था, वहां का एक मुस्लिम ऑफिसर है, जहां पे वो भी पता चल गया कि किसके हाथ की है, तो इसका जाहिर मतलब एक ही निकलता है कि योगी जी की भी पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो ये तो समझ जाते हैं कि अगर जुबैर नाम का व्यक्ति कहीं जाके ये कर रहा है प्रोवोक और कंप्लेंट कर रहा है मेरे खिलाफ, तो वो शैतान है, ये सबको मालूम है। दैट एटलीस्ट इज वेल एस्टैब्लिश्ड। योगी जी के राज में बेवजह की मेरे ऊपर अगर एफआईआर हो जाती है तो बहुत स्पष्ट है कि और योगी जी सबसे कर्मठ, सबसे तेज तरार है। बाकी जो आपके हैं भाजपा के चीफ मिनिस्टर, इतने कड़क हैं भी नहीं, तो ये सही नहीं है कि भाजपा ने ना तो नैरेटिव अपने हाथ में अभी तक कर पाए हैं,
और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को एक दिशा दे पाए हैं। जुडिशरी तो खैर आए दिन लताड़ती है। तो अच्छा, दूसरा जो मेरा सवाल है, बंगाल में क्रिश्चियन संस्थाओं की भरमार है। दे मे नॉट बी वेरी विजिबल एज अ माइनॉरिटी, बट जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ क्रिश्चियनिटी का काफी बोलबाला रहा है। अब ये दोनों मिलके काम करते, इनका क्या रवैया है? ये भी पूरी तरह इस्लामिस्ट के साथ हो जाते हैं जब भाजपा को पीटना होता है। बिल्कुल मिलके काम होता है ऐसे एरियाज में, जब सकते हैं कि जहाँ पे उनका भी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है तो वो भाजपा के विरोध में ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा का अगर एमएलए एमपी भी वहाँ पे आता है तो उनके काम पे असर पड़ता है, तो वो तो है ही। और सब कलकत्ता बेस्ड है, इवन जो मध्य प्रदेश में, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, उसका हेडक्वार्टर आपको जो 3-4 मेन सेंटर मिलेंगे उनमें से कलकत्ता भी है। तो कलकत्ता तो एक तरीके से हेडक्वार्टर है इन सब इंस्टीट्यूशंस का जो देश भर में भी चल रहे हैं। तो ये तो है कि, और ग्राउंड पे कन्वर्जन नहीं हो रहा है बंगाल में, ऐसा नहीं है, कन्वर्जन वहां पे भी होता है, वहां पे भी वो लोग इन्वॉल्व हैं। पर वहां पे जैसे भारत सेवा संस्था करके चलता है, भारत सेवा आश्रम करके से चलता है स्वामी प्रणवानंद महाराज का, तो वैसे संगठन है जो ट्राइबल्स के बीच में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो रिलीजियस संगठन है, जो जिनको ओपनली ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर भी उनको बोलती है कि ये बीजेपी के लोग हो गए, तो ऐसे संगठन है जो उनके पैरेलली उनसे लड़ने वाला काम कर रहे हैं ट्राइबल एरिया में। तो ये एक काफी पॉजिटिव चीज है जो क्रिश्चियनिटी को एटलीस्ट उनको तो वो लोग कंटेन कर पा रहे हैं वहां। माइक आपका, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टेक ऑन सुपर चैट्स। बहुत लोगों का ये मानना है कि एक तो अगर भाजपा ने 2021 की चुनाव जरा ढंग से लड़ी होती और ये सिर्फ रोड शो पे ना डिपेंडेंट होते, बहुत ज्यादा एनर्जी लोगों को एक्सपोज करने, रोड शो से क्या हुआ कि हर कार्यकर्ता एक्सपोज हो गया और उसको उतना टाइम नहीं मिला घर घर जाके मोबिलाइज करने का, दैट देयर वाज अ गुड चांस ऑफ बीजेपी विनिंग दैट इलेक्शन इफ दे हैड नॉट कमिटेड ब्लंडर्स लाइक दिल्ली से ले गए ऐसे लोगों को जिनका कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने काफी मिसमैनेज भी किया। इज दैट अ करेक्ट रीडिंग ऑफ द सिचुएशन? कुड दे हैव वन? यस, दे कुड हैव, क्योंकि प्रो बीजेपी माहौल उतना नहीं था जितना एंटी टीएमसी था, तो उसको कैपिटलाइज करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई। क्या कमी रह गई, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ बाहर के लोगों का नहीं है, एक तो उनकी भी दाद देनी पड़ेगी जो उनकी स्ट्रेटेजीज थी। जैसे जंगल महल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, कितने जल्दी उन्होंने रियलाइज किया कि वहां पे हम लोग ग्राउंड खो रहे हैं, तो उन्होंने वहां पे जो माओइस्ट थे उनके साथ अलाइन कर लिया, उनको जेल से छोड़ना शुरू कर दिया। तो वो सारी चीजें उनकी स्ट्रेटेजी की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जो एंटी टीएमसी माहौल था उसको उन्होंने बहुत कम किया इलेक्शंस के दौरान, और एक पूरा एक बहिरागतों वाला जो उन्होंने आंदोलन पूरा चलाया, और एक महिला की, एक महिला अकेली है उसके विरोध में आप कर रहे हैं। और बंगाल के समाज को अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तर भारत के, स्पेशली उत्तर भारत के मुकाबले वहां पे थोड़ा महिलाओं का, परिवारों में महिलाओं का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, आप सभी जगह जाएंगे तो लोगों को वो चीज बहुत ज्यादा लगी जब वो एंटी महिलाओं वाले कुछ कुछ कमेंट्स आए। एक ये, तो दूसरा उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी रही, और उन्होंने आखिरी के 1 महीने में पूरा माहौल अपनी तरफ कर लिया। हम भी बहुत होपफुल थे कि टीएमसी का एटलीस्ट सीट्स तो बहुत अच्छे खासी कम हो जाएंगी, बीजेपी की 140 के आसपास तो आएंगी आएंगी, हम बाकी सर्वे की तरह नहीं बोल रहे थे, प्लीज मेरा तो यही था, क्योंकि एंटी टीएमसी माहौल था, तो उसको कैपिटलाइज करने में फेलियर तो रहा। क्या कारण थे, वो तो बहुत मल्टीपल कारण थे, मुझे लगता नहीं है कि एक कारण से ऐसा जी हुआ, उधर से भी कुछ लोग जानबूझ के भेजे गए नीचे वाले लेवल पे, तो उन लोगों ने भी बहुत गड़बड़ी। अब ये कह रहे हैं सत्यमेव जयते बट वेन, बताइए क्या कहेंगे शिवम, कब सत्यमेव जयते होने वाला है? अगर मैं तो सत्यमेव कहूंगी अगर जयते, सच बोलना शुरू कर दे बीजेपी की टॉप लीडरशिप तभी तो जीतेंगे। अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और तृप्तिकरण कहेंगे तो सत्य की पार्टी, अगर भाजपा ही सच नहीं बोल पा रही तो जीतेगी कैसे? ये मेरा तो ये मानना है कि सत्यमेव जयते के लिए एक तो यू नीड फोर्स एंड पावर, स्टेट पावर है भाजपा के पास, फिर भी सच नहीं बोलते और बहुत धीमी व्यवहार करते हैं व्हेन इट कम्स टू दीज मर्डरस पावर्स। आप क्या कहेंगे?
मुझे लगता है कि आई एम वेरी होपफुल, स्पेशली अभी पिछले 4-5 महीने से आई एम वेरी होपफुल कि चीजें बदलेंगी, क्योंकि किसी पार्टी या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट की तो बिल्कुल जरूरत होती है, पर जो लोगों में, हमारे लोगों में जो एक इनबिल्ट है लड़ने का, वो बंगाल के लोगों में भी, जैसे मैं बताया कि डिनाइल मोड में थे, उस मोड से बाहर निकलते हैं। बस मैं बहुत होपफुल हूँ, जैसे मैंने माँ का एग्जाम्पल दिया, जिसकी 16 साल की लड़की का रेप हुआ, उसके बाद भी उसने बोला कि मुझे कितने भी लाखों रुपए दे दें, मेरे परिवार में किसी को भी मार दें, मैं लड़ती रहूंगी। तो जहां जहां मैं गया वहां वहां मुझे ऐसे लोग मिले जो डरे नहीं, और अभी वो लोग बाहर निकल के भी आ रहे हैं। इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, असेंबली इलेक्शन, उनको पता है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, पार्टी फुल मेजोरिटी में है, बहुत कुछ लोग बाहर के लोग नहीं कर सकते, तो भी लोग आ रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल, और सही बात है कि विदाउट मिंसिंग आर वर्ड्स, अगर हम लोग ओपनली जो है सत्य है उसको बोलेंगे, तो बिल्कुल उसका फायदा तो होगा ही, सभी को फायदा होगा, देश को सत्य फायदा होगा। बोलेंगे और सत्य के लिए लड़ने की क्षमता बनाएंगे जो अभी कम है। फिर भी क्रेडिट देना पड़ेगा भाजपा को, आरएसएस को और जो भी हिंदू संगठन है, विपरीत अवस्था में भी लड़ रहे हैं तो यही लड़ रहे हैं। बस हम चाहते हैं जरा और मजबूती से लड़ें। और ये जो लड़ाई बहुत लोगों को लगता है ऊपर का भाजपा का, ऊपर का आरएसएस का लीडरशिप इस लड़ाई को कमजोर करता है, ये कमजोर करना बंद करें। आई थिंक द केडर इज नाउ इन अ मूड टू लीड द लीडर्स। लीडर्स इस सवाल पर लीड नहीं कर पा रहे, शायद भाजपा के केडर, आरएसएस के केडर अपने नेताओं को सही दिशा पे चलने को मजबूर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप जो कह रहे हैं एडम सीकर को बुलाना चाहिए, ही इज अ बॉम, यू आर राइट, आई विल सर्टनली ट्राई टू गेट इट। एक बार तो शायद आए थे हमारे प्रोग्राम पे, बट बिजी रहते हैं तो बहुत उनकी डिमांड है, बट आई विल सर्टनली ट्राई सिंस इट्स अ पॉपुलर डिमांड, वी विल सर्टनली ट्राई। कोई और है क्या? नहीं है अगर इस वक्त सुपर चैट में कोई और, तो फिर हम अभी वाइंड अप करते हैं। अभी लगभग 1.5 घंटा होने को है, पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। आई एम सो हंग्री फॉर नोइंग मोर कि मैं भूल जाती हूँ घड़ी की तरफ देखना। तो आप कंक्लूडिंग कमेंट कर दीजिए जो भी आपको कहना है, एंड वील देन। मैम, मैं जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने जो कंक्लूडिंग में बोलने की सोच रहा था मैंने बोला, तो मैं फिर वही बात बोलूंगा कि आई एम होपफुल, मुझे रोशनी दिख रही है लोगों में, लोगों के अंदर वो जलती हुई रोशनी दिख रही है। जब भी मैं किसी को फोन पे बात करता हूँ, वापस मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाती है, जो मैं, मुझे लगता है कि मैं प्रोफेशन में ज्यादा घुस रहा हूँ, इन चीजों से दूर हो रहा हूँ, तो किसी से मैं जब बात करता हूँ तो मुझे वापस वो एनर्जी आती है। मुझे लगता है कि चीजें बदलेंगी और जल्दी बदलेंगी, और हम लोग फाइट बैक करेंगे, जैसे कुछ और जगह पे भी किया वहां पे भी करेंगे, बंगाल हाथ से नहीं जाएगा, लड़ेंगे, ढकेलना पड़ेगा लोगों को, तो ढकेलेंगे भी लोग वहां पे। तो बंगाली लोगों ने जो किया, जो श्री अरविंदो में जोश था, वैसा जोश वहां के लोगों में भी आएगा, हम सबको तो वो गाइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहां रूरल एरियाज में जो लोग उभर के आ रहे हैं, जिन्होंने बिना डरे बीजेपी को वोट दिया और इतना कुछ हुआ उसके बाद भी वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक रे ऑफ होप है, और बंगाल में चीजें जल्दी बदलेंगी। आई ऑल्सो होप कि बीजेपी के ऊपर जो विश्वास किया लोगों ने, जान हथेली पर रख कर खुलकर आए, केवल वोट करने नहीं उसका प्रचार करने, खुलकर आए टीएमसी का और इस्लामियों का विरोध करने। आई होप द लीडरशिप रियलाइजेज ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एंड यू हैव टू डिजर्व दिस सपोर्ट। एज ऑफ नाउ देश में ये भावना फैल गई है कि भाजपा की जो शिखर की लीडरशिप है, इट डज नॉट डिजर्व द सपोर्ट इट्स गेटिंग, दैट इट इज अंडरमाइनिंग दोज वेरी फोर्सेस जो उसका कोर वोट बैंक है, उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय ये तृप्तिकरण, इतना वाहियात शब्द लगता है अब तो, गुस्सा आता है इसका इसका इस शब्द को सुन के भी। ये तृप्तिकरण बंद कीजिए, क्योंकि तृप्ति उनकी तभी होगी जब भाजपा का खात्मा, केवल भाजपा का खात्मा ही नहीं परंतु हिंदू समाज का खात्मा। तो कृपया तृप्ति उनकी करना बंद कीजिए। जो भी सुन रहा है, भाजपा के शिखर में बैठे लोग, आरएसएस के शिखर में बैठे लोग,
और शिवम जो कह रहे हैं, शिवम मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी उम्मीद खरी उतरेगी और हम जल्दी देखेंगे एक नया दौर राजनीति का इस देश में आता हुआ। अनीशा कुछ कह रही है, ले आइए जी, अनीशा जी को ले आइए। कहाँ चली गई अनीशा? दीदी नमस्ते, ये क्यों नहीं आ रही स्क्रीन पे? वाई फ्यू हिंदुत्ववादी फेमिनिस्ट लाइक मोनिका श्योराम कॉल यू एज अ वुमन हेटर एंड डिनाई ऑल फॉल्स हैरेसमेंट केसेस ऑन मेन इन इंडिया? आर दे इंस्पायर्ड बाई वेस्टर्न फेमिनिज्म? ये स्क्रीन पर ले आइए, मैं इसका जवाब देती हूँ। एडमिन प्लीज कैन यू ब्रिंग अनिशा का सवाल ऑन द स्क्रीन? ये मेरे से क्यों नहीं आ रहा? मैं कोशिश कर रही हूँ बट इट्स नॉट कमिंग ऑन द दिस। एडमिन कैन यू ब्रिंग इट? एनी वे अनिशा मैं जवाब दे देती हूँ, मैं वुमन हेटर नहीं हूँ, मैं फेमिनिस्ट हेटर हूँ, क्योंकि मैं फेमिनिस्ट को, एक तो ये फॉरेन फंडेड पपेट्स हैं, अपने दिमाग से सोचते भी नहीं है, और जो लोग विदेशों के टुकड़े पर पल के इस देश की राजनीति चलाना चाहते हैं और इस देश के विरोध में जो खड़ी ताकतें हैं, मैं आज से नहीं 40 साल से ही कह रही हूँ, मानुषी के शुरुआत के दिनों से ही मैंने फेमिनिस्ट से दरकिनार कर दिया था। और मेरा एक बहुत ही फेमस भी और कंट्रोवर्शियल भी ऐसे है 1980s का, व्हाई आई डू नॉट कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन, रिवाइज्ड वर्जन, अपडेटेड वर्जन मैं बहुत जल्दी पब्लिश करूंगी, क्योंकि अब मुझे इन फेमिनिस्ट की राजनीति और भी जहरीली लगती है। और तब भी मैंने कहा था, मुझे सबसे बड़ी शिकायत फेमिनिस्ट से यही है, दे हेट वुमेन, दे डोंट वॉन्ट वुमेन टू रिमेन वुमेन। जो इनकी आइडियोलॉजी है कि जिस किस्म की कंपटीशन में, ये मर्दों के कंपटीशन में हमें रखना चाहती है, हर घर में गृह युद्ध हो और हर पुरुष के साथ हमें दुश्मनी भाव, हम दुश्मनी भाव से देखें, भले ये खुद पुरुषों के चरणों पर लौटती रहती हैं जब इनको फेवर्स चाहिए होती है, यू देयर कॉन्डक्ट इज सो डिसग्रेसफुल। तो मैंने जिस किस्म का लोली, घटिया बिहेवियर और घटिया कॉन्डक्ट और लैक ऑफ एथिक्स फेमिनिस्ट में पाई है, इतनी तो सास बहू सीरियल्स एकता कपूर की, उतनी चुड़ैल औरतें तो उन सीरियल्स में भी नहीं होती। बहुत जालिम होती हैं ये महिलाएं, और दे हेट वुमेन, दे डोंट वॉन्ट अस टू रिमेन वुमेन और इन और सेलिब्रेट आर फेमिनिटी। तो इसलिए मैं वुमन हेटर नहीं हूँ, मैं फेमिनिस्ट हेटर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये फेमिनिज्म को जड़ से उखाड़ के हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। अभी तो ये हम सबके सर पे हावी है और सब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने पूरी पूरे कब्जे जमा लिए हैं, मीडिया में इन्होंने कब्जे जमा लिए, और इतनी वाहियात आइडियोलॉजी है, नॉनसेंसिकल। और जो व्यक्ति इस देश की समस्याओं को इस देश के लेंस से नहीं समझ सकता, जमीन से जुड़ी उनकी कोई बात होती नहीं है, विदेशों से लेते हैं कमांड, जो इनको टूल किट मिलती है वो चल पड़ती है, ऐसे लोगों की मैं इज्जत क्यों करूं? तो सब फॉरेन फंडेड एक्टिविस्ट से मेरी पुरानी लड़ाई है, फेमिनिस्ट से पहले ही शुरू हुई थी। सो यस आई हेट फेमिनिज्म एंड आई हेट इंडियन फेमिनिस्ट इन पर्टिकुलर, क्योंकि ये तो इन्होंने तो अपनी आइडियोलॉजी, कम से कम वेस्टर्न फेमिनिस्ट से मुझे इतना परहेज नहीं होता, क्योंकि वो कम से कम अपनी लड़ाई अपनी सोच समझ से करती हैं, फिर गलतियां करती हैं तो सुधार भी लेती हैं और एक्नॉलेज भी कर लेती हैं कि हाँ हमने तब तो ये सोचा था, अब हमें सुधारने की जरूरत आ गई। ऐसे जमेन ग्रियर वगैरह बहुतों ने अपने को रिवाइज किया है, वो कम से कम अपने बल बलबूते पे लड़ती हैं, ये विदेशों के बलबूते पे लड़ती हैं और उन ताकतों के बलबूते पे लड़ती हैं इस देश में, इस समाज को तबाह करना चाहती हैं, हमारे घर परिवार को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए इनको प्लांट किया गया है। और इनकी इतनी अगर औकात है कि इनकी बातें सही हैं, तो उस पेट्रनेज के बगैर जी के 10 दिन दिखा दें, नहीं जी पाएंगी ये। तो इसलिए यस आई बीन एट वॉर विद देम फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज ऑफ मानुषी।
तो उनको मुझसे परहेज होना बड़ी अच्छी बात है। मैं तो आज नहीं, 30 साल पहले भी मुझे घुटन होती थी इनके किसी मीटिंग में बैठ के। मुझे लगता था हवा पॉइजनस है, जो हवा ये जनरेट करती है। आई कुडंट ब्रीथ द सेम एयर, दैट्स वाई आई शंड देयर मीटिंग्स लाइक प्लेग। तो मैंने आपको जवाब दे दिया, आई हेट दम बिकॉज दे हेट वुमेन, आई सेलिब्रेट वुमेन एंड आई डू नॉट लाइक फेमिनिस्ट बिकॉज दे अंडरमाइन वुमेन, दे वॉन्ट अस टू बी समथिंग एल्स। वो बताना चाहती है हमारी एस्पिरेशन क्या होनी चाहिए, हमें क्या अच्छा लगना चाहिए, हम क्या कपड़े पहने, क्या ना, क्या सोचें क्या ना सोचें, क्या शब्दावली का प्रयोग करें। और आती है विदेश से शब्दावली, यहाँ तो यहाँ की शब्दावली भी इनको आज तक क्रिएट करने नहीं आए। तो ऐसे लोगों की इज्जत करना भी मुझे कतई स्वीकार नहीं है, और उनसे इज्जत या प्यार प्राप्त करना भी मैं अपने लिए अपमान समझूंगी। तो मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी आपको। तो शिवन जी, आपके प्रोफेशन में भी तो ये सब दुष्ट ताकतें और दुष्ट किस्म की फेमिनिस्ट हावी हैं, कुछ कीजिए इनका। मैं और आप सब लोग कॉलेज के डर के समय से मारे डील कर जाते रहा हैं हूँ, इनके मैं साथ। हाँ कॉलेज के समय से डील कर रहा हूँ, मैं आई बी हेटेड जी, बहुत दुष्ट, इतनी दुष्ट आत्माएं। मैंने कहा ना, ये तो सास बहू सीरियल में सोचती थी कि एकता कपूर कहाँ से सोचती होगी, ऐसी दुष्ट औरतें कहाँ से इसकी इमेजिनेशन में आती होंगी। पर जो फेमिनिस्ट मैंने देखी हैं, वो एकता कपूर की सीरियल्स की दुष्ट आत्माओं से भी दुष्ट ज्यादा है। तो इसलिए इनको हराना हर डोमेन में बहुत जरूरी है। ये पहले तो मैंने लड़ाई बहुत अकेले लड़नी पड़ी क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता था, पर अब सोशल मीडिया के आने के बाद तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं इस लड़ाई में, और इनको इनको आईना दिखाने के काम करने में। तो ओके व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस दिस लॉन्ग। थैंक यू शिवम जी, कीप अस थैंक यू सो पोस्टेड मच एंड कीप मैम, इन टच एंड गुड लक फॉर योर बुक चलो थैंक बैलेट बुलेट एंड ब्लड डेमोक्रेसी ऑन द यू सो सी। मच। शुभकामनाएं, और आपके लिए भी शुभ रात्रि और वंदे मातरम। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कल फिर मिलते हैं, समथिंग इंटरेस्टिंग अप टुमारो। नमस्ते। एडमिन जी, आर यू स्लीपिंग? एंड इट। आज लग रहा है हमारे एडमिन